Hello everyone. I hope all of you are doing amazingly good. All of you are keeping happy and healthy at your respective places. So today we meet again, and we meet again to discuss the importance of the MCQs in our paper, and to discuss कि भाई ये case study based MCQs क्या हैं और उनको किस तरह से attempt करना है और उसका जो भी material ICAI ने हमें available करवाया हुआ है उसका हमें discussion करना है. सो एज यू ऑल नो भाई ICAI ने थोड़ा टाइम पहले इंटरमीडिएट में चार पेपर्स में और फाइनल में चार पेपर्स में उन्होंने MCQs इंट्रोड्यूस किए थे. तो इंटरमीडिएट में मेरा पेपर है पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, जिसमें हमारा 30% पेपर जो है वो MCQ बेस्ड पेपर है और 70% पेपर जो है वो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है. सो जो 30% MCQs है ना, ये 30% MCQs आपके इसमें से 18 मार्क्स जो हैं वो 18 मार्क्स आपके इनकम टैक्स के MCQs आएंगे और आपके 12 मार्क्स जो हैं वो 12 मार्क्स आपके GST के MCQs आएंगे. द 30% ऑफ ईच इंडिविजुअल पोर्शन विल बी एग्जामिन्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs. सो हुआ क्या, पहले ICAI ने MCQs इंट्रोड्यूस किए, फिर इन्होंने थोड़े दिनों बाद कहा कि हम कुछ आपसे केस स्टडी बेस्ड MCQs पूछेंगे. तो यार ये MCQs की एग्जाम में क्या वेटेज रहती है, इंडिविजुअल वेटेज? तो आपके पास MCQ जो है वो MCQ 1 मार्क का भी हो सकता है और आपके पास जो MCQ है वो 2 मार्क का भी हो सकता है. आपके पास MCQ जो है वो स्टैंड अलोन एक MCQ भी हो सकता है, इंडिविजुअल MCQ भी हो सकता है, या आपको काफी सारी क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन दी हो सकती है और उस इंफॉर्मेशन पे एक साथ आपसे 4 या 5 MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि सर हम इन MCQs की प्रैक्टिस कैसे करें. सो इन आर क्लास वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स टोटल 4 बुक्स, आउट ऑफ विच 2 बुक्स आर ऑन इनकम टैक्स द मेन मॉड्यूल्स, 1 बुक इज ऑन GST एंड द 4th बुक इज द MCQs बुकलेट. ये जो बुक है वो MCQ बुकलेट रहती है और इस MCQ बुकलेट में क्या रहता है, आपके पास चैप्टर वाइज MCQs रहते हैं. इफ आई ओपन द इंडेक्स ऑफ आर MCQs बुकलेट तो आपके पास इंडिविजुअल चैप्टर वाइज MCQs रहते हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, और इसी तरह GST में भी आपके पास चैप्टर वाइज MCQs रहते हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स. एंड एज आई वॉज सेइंग ICAI ने कुछ हमारे पास केस सिनारियो बेस्ड MCQs भी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. इन अदर वर्ड्स MCQ पे केस स्टडीज हैं. केस स्टडीज मतलब आपके पास क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन अलग अलग टॉपिक से है और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन का भी आपने इंग्लिश में नहीं देखा कि आपको बड़ा सारा कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है और उसके बेसिस पे आपसे चीजें पूछी गई होती है. तो यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली एक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ना देकर 4-5 टॉपिक्स पे एक साथ इंफॉर्मेशन दी होती है, उससे क्वेश्चंस पूछे होते हैं. असल बताऊं जो हमारा ये MCQs है, केस स्टडी बेस्ड MCQs है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे छोटे छोटे MCQs का एक कॉम्बिनेशन है. अलग अलग इंफॉर्मेशन एक साथ डाल दी गई है, उसे एक सिंगल केस स्टडी बना दी गई है और उसके बेस पे हमें इंडिविजुअल MCQs पूछे गए हैं. सो अब ये है कि यार MCQs जो है, MCQs का जो मटीरियल है वो ICAI ने रिलीज किया हुआ है थोड़ा सा, प्लस ICAI अपने रेगुलरली मॉक टेस्ट पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर्स में MCQs डालता रहता है, केस स्टडी बेस्ड MCQs एज वेल एज इंडिविजुअल MCQs. तो जो आपको MCQ बुकलेट मिलेगी उस MCQ बुकलेट के अंदर सारा का सारा कंपाइलेशन आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड अवेलेबल है. इन केस यू हैव द बुक, ग्रेट. इन केस यू डू नॉट हैव द बुक एंड यू विश टू बाय द बुक, यू हैव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इन केस यू डू नॉट वांट टू बाय द बुक्स एंड यू वांट टू स्टिक बाय द मटेरियल जो ICAI की वेबसाइट पे अपलोड है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके. दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, इट्स कंप्लीटली योर डिस्क्रिप्शन. बस हमने उसे अच्छे से हर जगह का मटेरियल इकट्ठा करके उसे बहुत सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज किया और कुछ सेल्फ बेस्ड MCQs भी डाले हुए हैं. अब सर MCQs पेपर में सॉल्व कैसे करने? MCQs सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में एक OMR शीट मिलती है, तो आपको उस OMR शीट में अपना आंसर मार्क करना है, चाहे GST का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, उसमें आपको अपना MCQ मार्क करना है. एंड आई गेस आपको पता ही होगा जो आपका MCQ का क्वेश्चन पेपर है, यू आर नॉट सपोज टू ब्रिंग इट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल. व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल यू आर सपोज टू गिव दैट एग्जामिनेशन MCQ क्वेश्चन पेपर बैक टू द एग्जामिनर. आपको MCQ क्वेश्चन पेपर वापस दे के आना है, बाहर नहीं आता. बट फ्रॉम वॉट वी हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्होंने पास में एग्जाम्स में अपियर किया है, जैसे कि सर अगर हम प्रोविजन तरीके से करें और MCQ बुकलेट की प्रैक्टिस करें, हमारे सारे MCQs बहुत आसानी से निकल जाते हैं. अच्छा एक और चीज, पेपर में MCQ किस टाइम पे अटेम्प्ट करने है? डू वी हैव टू अटेम्प्ट MCQs एट द बिगनिंग ऑफ द पेपर और डू वी हैव टू अटेम्प्ट MCQs एट द एंड ऑफ द पेपर?
सो इस कंटेक्स्ट में मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है कि आप एमसीक्यूज जो है वो पेपर के स्टार्टिंग में आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आप एमसीक्यूज एक बार पढ़ के देखेगा, आपको लग रहा है कि आपके आंसर्स इजीली निकल रहे हैं, तो आप एमसीक्यूज जो है उनको आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये 30 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यूज है ना, ये बहुत इजीली आपके 35-40 मिनट्स में निकल जाते हैं, और उस 35-40 मिनट्स में अगर आप इनको साइड कर देते हो करके, देन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अपीयर टू अटेम्प्ट योर रिमेनिंग सब्जेक्टिव पेपर, और आपको माइंड में एक अश्योरेंस है कि हाँ मैं एमसीक्यूज कर चुका हूँ। और देखो एमसीक्यूज में सब्जेक्टिविटी तो होती ही नहीं है, चार में से एक आंसर है वही ठीक होगा, तो योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन दे इंक्रीज्ड इफ यू फोकस ऑन एमसीक्यूज आल्सो। एमसीक्यू के लिए आपको अलग से कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रोविजंस आप पढ़ते हो वही प्रोविजंस आपके काम आते हैं एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करने के लिए। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे द फोकस इज ऑन अराइविंग एट द राइट आंसर रादर देन कि हाउ टू राइट द आंसर। भी एमसीक्यू के अंदर चेक किया जाता है कि क्या आप ठीक आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक किया जाता है क्या आप ठीक आंसर निकाल सकते हैं और क्या साथ के साथ उसे ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर्स होते हैं, आपको बहुत हेल्प होती है, बहुत क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। सो एज आई हैड कमिटेड इन द क्लास कि मैं आपको केस स्टडी के जो एमसीक्यूज है उनकी डिस्कशन आपको प्रॉपर अवेलेबल कराऊंगा। वी हैड रिकॉर्डेड अ वीडियो अर्लियर, बट उस वीडियो में कुछ साउंड इश्यू था, दैट इज व्हाई वी कुड नॉट मेक इट अवेलेबल टू यू। नाउ वी आर मेकिंग द वीडियोज अवेलेबल फॉर यू नो जनरल व्यूइंग ऑन यूट्यूब, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनली माई स्टूडेंट्स बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सी इंटरमीडिएट टैक्सेशन स्टूडेंट्स। तो एग्जिस्टिंग जो वीडियो है, इस एग्जिस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी की जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करूंगा। जो एमसीक्यू बुकलेट हमने बनाई हुई है इसमें टोटल 16 केस स्टडीज हैं जीएसटी की, तो वो सारी की सारी केस स्टडीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस एग्जिस्टिंग वीडियो में। एंड देन वी विल ऑल्सो मेक यू अवेलेबल अनदर वीडियो जहां पे हम इनकम टैक्स के एमसीक्यूज की जो केस स्टडीज हैं उनके सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। एंड यस, एक बार हम इसको ढंग से करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो ओनली व्हेन यू आर थॉरो एंड व्हेन यू आर थॉरो विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। अगर आप इस वीडियो को बिना जीएसटी रिवाइज किए करेंगे ना, तो आपके आंसर ठीक नहीं निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। सो आई एक्सपेक्ट कि आपने जीएसटी की रिविजन लगा ली होगी, या आपको अच्छे से प्रोविजंस रिकॉल हैं, तभी आप इन एमसीक्यूज को देखेंगे, बिकॉज इन एमसीक्यूज में पूरे सब्जेक्ट के कहीं से भी कोई भी पॉइंट पिक किया हुआ हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। केस स्टडी वन है मेरे पास, मिस्टर पशुपति रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। Mr. Pashupati, a registered taxpayer under GST, is engaged in trading of various type of consumer goods. His turnover in the preceding financial year was below the threshold limit for registration. Uska turnover preceding financial year mein, it was below the threshold limit liable for registration. Matlab iska preceding financial year ka jo turnover hai, wo applicable threshold limit ke andar hai. Us applicable threshold limit se zyada nahi hai. Us applicable threshold limit jo hai, applicable threshold limit se zyada nahi hai. Next, he has issued various bills of exchange, unsecured debentures and promissory notes in the course of his business activity. ठीक है जी। Further, he is also engaged in betting activity. He has issued various bills of exchange, unsecured debentures and promissory notes in course of his business activity. Further, he is also engaged in betting activities. During the month of April in the current year, he availed the following services. GTA services from XYZ Transports, GST was charged at 5%, that is rupees 35,000. Renting of godown premises from a local municipality, rupees 40,000. Legal service availed from a firm of advocate, that was rupees 50,000. Next, he sold a car used for his personal purposes for rupees 1 lakh. He disposed of his old computers for rupees 60,000, on which no ITC was claimed. He also gave away his stock of old consumer goods amounting to rupees 75,000, on which he had claimed ITC to an orphanage home. He received goods on 1st May that are liable to tax under reverse charge. Invoice was issued on 5th May and payment for the same was made on 6th June. He paid repair expenses for truck used for transportation of goods of his business. GST component involved thereon was rupees 13,000. He arranged for catering on Labor Day function and paid bill in which GST component was rupees 15,000. He received first lot of certain goods having GST component of rupees 25,000.
All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interested unless specified otherwise. Conditions necessary for claiming ITC have been fulfilled subject to the information given above. So yaar dekho, जैसे मैंने बोला है एमसीक्यू बुकलेट में आपके पास इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं और साथ के साथ आपके पास ये केस स्टडी वाले एमसीक्यूज भी हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज खुद करोगे। जो भी ट्रिकी एमसीक्यूज थे हमने क्लास में किए हुए थे। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज के लिए आई सेड आई विल प्रोवाइड यू दी वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दी सॉल्यूशंस, सो हियर आई गो। बट यस, आई एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू एज वेल। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? आई एक्सपेक्ट अ कमेंट फ्रॉम यू ऑन द वीडियो लेटिंग मी नो कि आपने जब खुद ये केस स्टडीज की थी तो कितने आंसर आपसे पहली बार में स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले थे। लेट मी ऑल्सो चेक कि वेयर डू यू स्टैंड, वॉट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल इन द एमसीक्यूज। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू इन्फॉर्म मी दैट वंस यू हैव सीन दिस वीडियोज, क्या इसके बाद आपको ये अश्योरेंस मिल पाएगा कि आप केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे तो उनको एग्जाम में तरीके से कर पाएंगे। You have to communicate that whatever efforts you and me are putting in for your success, whether usse aapka confidence increase ho raha hai ya nahi ho raha hai. Aisa to nahi hai ki hum effort kiye ja rahe but confidence still increase nahi ho raha. So you have to do inform me that by giving a comment on the video, so that I also get to know that what is your level of preparedness in so far as MCQs are concerned. Chalo, back to the question. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions. Which of the following is not considered as a supply as per the provisions of CGST Act? ये चार पॉइंट यहाँ लिखे। Basically, मतलब ये जो first MCQ है मेरा, वो first MCQ इस information से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? He has issued various bills of exchange, unsecured debentures and promissory notes in the course of his business activity. Further, he is also engaged in betting activities. अब आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बात एक्शनेबल क्लेम से जुड़ी हुई है। एक्शनेबल क्लेम के कंटेक्स्ट में आपने क्या पढ़ा है? एक्शनेबल क्लेम के कंटेक्स्ट में आपने ये पढ़ा हुआ है कि बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये वाले जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो तो जीएसटी के स्कोप में कवर होते हैं। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के अलावा जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो हमारे शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी में होते हैं। उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, उन्हें ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। जब उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाता तो उन पर जीएसटी लगता ही नहीं है। सो वंस अगेन, आपको यहाँ पे एक तरह से चार एक्शनेबल क्लेम के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर डिबेंचर्स एंड प्रॉमिसरी नोट एज वेल एज बेटिंग एक्टिविटीज। इन चार में से बेटिंग जो है वो तो जीएसटी के स्कोप में कवर है, वो तो सप्लाई के स्कोप में आएगी, लेकिन आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर डिबेंचर्स और प्रॉमिसरी नोट जो है वो ऐसे एक्शनेबल क्लेम है जो शेड्यूल 3 में कवर है। उसे आप ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, उसे ना आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017? तो यार बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं माना जाएगा सप्लाई, ये भी सप्लाई नहीं है, अनसिक्योर डिबेंचर भी सप्लाई नहीं है और प्रोमिसरी नोट भी जो है वो सप्लाई नहीं है। ये जो बेटिंग है इसकी ट्रांजैक्शन तो सप्लाई मानी जाती है, बाकी तीनों की जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई नहीं मानी जाती। तो आपका जो आंसर है वो आएगा आंसर नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर। आपका जो यहां पे आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर। नेक्स्ट, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बेसिकली ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपके सेकेंड एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सेकेंड एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इन द करंट ईयर ही अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज। First, GTA services from XYZ Transports GST was charged at 5% rupees 35,000. अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी 5% पे जीएसटी चार्ज करती है एंड वो जो ट्रांजैक्शन है वहां ट्रांजैक्शन में रेसिपियंट एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो FCM में कवर नहीं होती है, वो RCM में कवर होती है। इफ GTA opts for 5% taxation rate with limited ITC एंड जो GTA है वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक ऐसे रेसिपियंट को वो जो GST में रजिस्टर्ड है, तो वहां पे आप उस ट्रांजैक्शन को RCM में कवर मानते हो। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ये RCM में कवर्ड है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रमाइसेस फ्रॉम लोकल म्युनिसिपैलिटी। इफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। If the local government, state government, central government, they provide services to a registered taxpayer by way of renting of immovable property, that transaction is also covered under RCM. Next, legal services availed from a firm of advocates rupees 50,000. आपने legal services एक firm of advocates से receive करी है और उन services की value है आपकी 50,000 rupees. तो यार
लीगल सर्विसेज जो मैं एक एडवोकेट से रिसीव करता हूँ वो आरसीएम में तभी टैक्स होती हैं, वो आरसीएम में तभी टैक्स होती हैं जब आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपकी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है। अगर आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे आपके पास एग्जेम्पशन अवेलेबल होती है। हमने जब लीगल सर्विसेज का टॉपिक पढ़ा था क्लास में भी, हमने एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी एंड आरसीएम वाले टॉपिक को मिक्स करके पढ़ा था। इफ़ अ लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज टू अ टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, तो फिर वहां पे हमने कहा था कि आपके पास एग्जेम्पशन अवेलेबल है और यहाँ पे इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है, तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। जब सर्विसेज एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे आरसीएम का सवाल बनता ही नहीं है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 35, 75, 85 एंड 125। सो योर आंसर विल बी बी रुपीज 75। या नीचे आंसर की में जो आंसर दिया गया ना वो आंसर मिसटाइप हो गया हमसे, ये आंसर बी आएगा यहाँ पे रुपीज 75,000। ठीक कर लीजिएगा, ये बी आएगा रुपीज 75,000। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी। तो ये जो आपको ये वाला पैरा दिया गया है ना, ये आपके थर्ड एमसीक्यू से रिलेट करता है। ही सोल्ड अ कार यूज फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस फॉर रुपीज 1 लाख। अगर आप कार जो पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे थे उसको बेचते हो, दैट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद आप अपने ओल्ड कंप्यूटर 60,000 के बेचते हो जिन पे आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया। नेक्स्ट ही ऑल्सो गेव अवे स्टॉक ऑफ ओल्ड कंज्यूमर गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 75,000 ऑन विच ही हैड क्लेम्ड आईटीसी टू एन ऑर्फेनेज होम। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स इज ऑल्सो डीम्ड एज अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर आपने उन असेट पे इनवर्ड लेग पे क्रेडिट ले रखा हो। याद करना शेड्यूल 1 चार पॉइंट होते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लिया जाता है इवन दो उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो वहां पे हमने एक पॉइंट ये पढ़ा हुआ है कि यार आपका जो डिस्पोजल है बिजनेस असेट्स का उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा इफ यू हैड टेकन क्रेडिट ऑन योर इनवर्ड लेग। यार देखो पर्सनल कार जो आप बेच रहे हो वो तो बिजनेस का असेट है ही नहीं, दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वहां पे तो आपका जीएसटी लगेगा ही नहीं। इसके बाद पुराने कंप्यूटर्स आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं इस ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा बिकॉज आपने कंप्यूटर्स पे आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ था, लेकिन ओल्ड कंज्यूमर गुड जो 75,000 के आप बेच रहे हो उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। ओल्ड कंज्यूमर गुड्स जो है उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा बिकॉज वहां पे आपने इनवर्ड लेग पे क्रेडिट लिया हुआ है। तो थर्ड का आंसर आपके पास आएगा रुपीज 75,000। नेक्स्ट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव बाई मिस्टर पशुपति इज। तो यार ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये फोर्थ एमसीक्यू से रिलेट करता है। ही रिसीव गुड्स ऑन 1st May दैट आर लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस वॉज इश्यूड ऑन 5th May एंड पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड ऑन 6th June। तो यहाँ पे बात की जा रही है गुड्स आरसीएम में कवर्ड है, जहां पे गुड्स आरसीएम में कवर होते हैं वहां पे हम जो टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं वो सेक्शन 12(3) के हिसाब से निकालते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में निकलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 में निकलता है। तो सेक्शन 12(3) जो है वो 12(3) आरसीएम की बात करता है गुड्स के केस में, और वहां पे लिखा जाता है अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री इवेंट्स इज ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। फर्स्ट डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड। तो जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए वो कौन सी डेट है, वो आपके पास है 1st May। नेक्स्ट इसके बाद हम कहते हैं 31st day फ्रॉम इनवॉइस। तो आपका इनवॉइस 5th May का है, तो मई के 26 दिन और फिर 4 जून, 4 दिन जून के, तो आपका ये 5th June आएगा। एंड लास्ट हम कहते हैं डेट ऑफ पेमेंट बाई द रेसिपियंट टू द सप्लायर, सो दिस इज 6th June। तो इन तीनों में से अर्लीएस्ट कौन सा है, इन तीनों में से अर्लीएस्ट जो है वो आपके पास 1st May है, तो योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1st May। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव बाई मिस्टर पशुपति इज 1st May। लास्ट पॉइंट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम बाई मिस्टर पशुपति। ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास। तो हमारे पास ये जो पैराग्राफ है
ये पैराग्राफ हमें बताता है कि आईटीसी की डिटेल्स जो है, ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ हिज बिजनेस, जीएसटी कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व देयर इन वॉज ₹13,000, ठीक है जी। ही अरेंज फॉर केटरिंग ऑन लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल इन विच जीएसटी कॉम्पोनेंट वॉज 15,000 एंड ही रिसीव फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग जीएसटी कॉम्पोनेंट ऑफ 25,000। तो यार तीन पॉइंट है। सबसे पहले ही रिसीव्ड फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग जीएसटी कॉम्पोनेंट ऑफ 25,000। यहां पे आपके गुड्स किस में आ गए हैं? यहां पे आपके गुड्स लॉट्स में आ गए हैं। यहां पे आपके गुड्स जो हैं वो लॉट्स में आ गए हैं, और जब आपके गुड्स लॉट्स में आते हैं ना, तो हम कहते हैं क्रेडिट कैन बी टेकन ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट। इस पर्टिकुलर महीने में लास्ट लॉट तो आया नहीं है, पहला ही लॉट आया है, तो इस 25,000 के जीएसटी कॉम्पोनेंट का तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ही अरेंज फॉर केटरिंग ऑन लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल इन विद जीएसटी कॉम्पोनेंट वॉज ₹15,000। फूड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग, इनका क्रेडिट जनरल लोगों को नहीं मिलता, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो आउटवर्ड लेग पे भी सिमिलर तरह की सप्लाई करते हैं, तो इस 15,000 के जीएसटी कॉम्पोनेंट का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ही पेड रिपेयर एक्सपेंसिस फॉर ट्रक विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ हिज बिजनेस, जीएसटी कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व देयर इन वॉज ₹13,000। अगर आपके पास एक ट्रक है विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो आपके लिए एक एलिजिबल मोटर व्हीकल है कैपिटल क्रेडिट पर्पसेस के लिए। इट इज एन एलिजिबल मोटर व्हीकल फॉर क्रेडिट पर्पसेस। और अगर हम एलिजिबल मोटर व्हीकल का रिपेयर करवाते हैं और उस पर जीएसटी लग के आता है, उसका मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं, तो इस 13,000 का क्रेडिट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सो यहां पे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर पशुपति, तो आपका द आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी डी, ₹13,000। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा एमसीक्यूज की जो केस स्टडीज है वो क्या है। एज आई सेड, अलग अलग स्टैंड अलोन एमसीक्यूज की इंफॉर्मेशन को अगर मैं इकट्ठा कर दूं और उनपे कंबाइंड क्वेश्चंस बना दूं, वो अपने आप में केस स्टडी है। अब इस केस स्टडी के अंदर इन्होंने हमसे सप्लाई का टॉपिक भी पूछ लिया, एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक भी पूछ लिया, हमसे आरसीएम का टॉपिक भी पूछ लिया, हमसे टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक भी पूछ लिया, और हमसे आईटीसी का टॉपिक भी पूछ लिया। तो एक ही क्वेश्चन में दे एग्जामिन माई नॉलेज इन डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन एरियाज, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोविजंस ढंग से पढ़े हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो वी आर डन विद केस स्टडी वन। नेक्स्ट, प्लीज रीड केस स्टडी नंबर टू। टेक 1 मिनट टाइम, प्लीज रीड केस स्टडी नंबर टू। केस स्टडी टू पढ़िएगा प्लीज। पढ़ो केस स्टडी टू पढ़ो, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज और है भाई, इस वीडियो को देखने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने अमेंडमेंट्स प्रॉपरली देख ली हो। आई एक्सपेक्ट यू गाइस दैट यू हैव वॉच्ड द अमेंडमेंट पोर्शन। चलो जी, विल स्टार्ट डिस्कसिंग केस स्टडी टू ऑल्सो। केस स्टडी टू भी हम डिस्कस करेंगे। सो केस स्टडी टू क्या है? मिस विट्टल एंड कंपनी, अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है जी। द फर्म ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सिंस अप्रैल। इट्स टर्न ओवर क्रॉस ₹1.5 crores ऑन 9th May एंड इट हैज ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम ऑन दिस सेट डेट। अप्रैल से कॉम्पोजिशन स्कीम हमने ऑप्ट कर रखी थी, 9 मई को 1.5 करोड़ का मेरा टर्नओवर हो गया, एंड नाउ यू हैव ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। विट्टल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10th जून टू सूरी एंड कंपनी ऑन सेल और रिटेन बेसिस। सूरी एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड वाइड इट्स कंफर्मेशन मेल डेटेड 15th December। तो गुड्स आपने भेजे थे 10th जून को और 15 दिसंबर को आपके पास एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आया है। The firm has paid GST for various items during the month of August. It comprised of the following:
GST paid on input services to be used for personal purposes, ₹12,000. GST paid on purchase of motor vehicle for business use, being a two-wheeler having engine capacity of 25cc, ₹9,000. GST paid on purchase of computer, ₹19,000. GST portion was included as a part of cost to claim depreciation under Income Tax Act 1961. During May, Vittal and Company had reversed ITC of ₹10,000 for not making payment to vendors within the prescribed time period under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. Out of purchases made and ITC availed during earlier months, the following information is made available as on September. Supplier name XYZ, ABC, PQR, yahan alag alag cheeze likhi hai. Iske baad Vittal and Company received accounting services from Raghu and Company and associated enterprises located in Sri Lanka. Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by Vittal and Company in its books on 10th October, but payment was made on 30th September. All the supply referred above is intrastate unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. Based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions. First, Vittal and Company needs to furnish a statement containing details of stock of inputs, input held in finished goods on the withdrawal of composition scheme by. Dekho ji, aapne na 9 Mai ko, aapne 9 Mai ko, आपने 1.5 करोड़ का ये जो पहली लाइन है ना इस पे आपका फर्स्ट एमसीक्यू रिलेट करता है. दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर योर फर्स्ट एमसीक्यू. 9 मई को आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया है, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि आपके पास क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या फिनिश गुड्स है, क्या कैपिटल गुड्स है. इन सब की डिटेल जो है वो आपको अगले नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को अवेलेबल करवानी है. तो मई में आपके पास 9 मई से आप 30 डेज गिनो, 9th मई से आप 30 डेज गिनो आगे, तो आपके पास मई में 22 डेज है और जून में 8 डेज है, तो टोटल मिला के आपके पास 30 आ गया. तो द करेक्ट आंसर विल बी 8th जून. नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सेंट ऑन सेल और रिटेन बेसिस, विटल एंड कंपनी शैल इश्यू द इनवॉइस बाय. तो यार एक चीज देखना, Vittal and Company send goods on 10th June to Suri and Company on sale or return basis. Suri and Company accepted the goods via confirmation mail dated 15 December. जब भी हम गुड सेल या रिटर्न बेसिस पे भेजते हैं तो वहां पे हमारा सप्लाई कब होती है? सप्लाई उस टाइम पे मानी जाती है जिस टाइम पे रेसिपिएंट ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया है. तो यहाँ पे सप्लाई कब हुई है? यहाँ पे सप्लाई मानी जाएगी 15 दिसंबर. लेकिन आपने इनवॉइसिंग के लॉ में पढ़ा है कि जब भी हम गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजते हैं, अगर 6 महीने के अंदर अंदर हमारी एक्सेप्टेंस आ गई, वेल एंड गुड. अगर हमारी 6 महीने के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती तो 6 महीने खत्म होने से पहले पहले हमें इसका इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. इन केस वेयर द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इनवॉइस नीड्स टू बी इश्यूड एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर सप्लाई, व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस. बट इफ नो एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, इनवॉइस नीड्स टू बी इश्यूड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स. तो 10th जून को गुड्स भेजे गए थे, तो 10th जून से आगे 6 महीने देखे जाएंगे, तो ये आएगा 10th दिसंबर. सो द करेक्ट आंसर विल बी 10th दिसंबर. नेक्स्ट, तो ये जो इंफॉर्मेशन है अगली दो लाइन, इस पे आपका सेकेंड एमसीक्यू बना हुआ है. नेक्स्ट, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय विट्टल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. Determine the amount of eligible input tax credit that can be availed by Vittal and Company for the month of August. August में आप कितना credit avail कर सकते हो? तो इसके लिए ना आपके लिए ये इस वाले MCQ के लिए ये सारी information matter करती है. So the firm has paid GST for various items during the month of August. It comprised of the following. GST paid on input services intended to be used for personal purposes, ₹12,000. Iska credit aapko nahi milega because you are using the services for your personal purposes. Next, GST paid on purchase of motor vehicle for business use, being a two-wheeler having engine capacity of 25cc. Bhai, ek motor vehicle, motor cycle hai ye ek tarah se. A two-wheeler hai aur ye aap business purpose ke liye istamal kar rahe ho, to iska credit aapko mil jayega. Next, GST paid on purchase of computer ₹19,000. GST portion was included as a part of cost to claim depreciation under the Income Tax Act 1961.
जब आपने असेट की इनकम टैक्स में एक्चुअल कॉस्ट निकाली, उस टाइम पे आपने 19,000 के जीएसटी को, उस टाइम पे आपने 19,000 के जीएसटी को भी कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। जिस टाइम पे आपने असेट की कॉस्ट निकाली इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए, आपने 19,000 के जीएसटी को भी उस वैल्यू में ऐड कर लिया, मतलब 19,000 पे इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन मिल रहा है। बेस वैल्यू पे तो मिलेगा, 19,000 पे भी मिल रहा है। जब आप जो जीएसटी लगा हुआ आता है असेट पे परचेज होने पे, अगर आप उस पे भी डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में ले लेते हो, तो उस जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी अमाउंट का या तो जीएसटी के लॉ में आप क्रेडिट ले लो, या जीएसटी के अमाउंट का आप जीएसटी का जो अमाउंट है उस पे इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन ले लो। यहाँ पे आप जीएसटी के अमाउंट पे इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन ले रहे हो, तो इस 19,000 का जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मे विट्टल एंड कंपनी हैड रिवर्स्ड आईटीसी ऑफ ₹10,000 फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। दिस पेंडिंग पेमेंट वॉज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। याद करो, हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर मैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज उधारी पे लेके आता हूँ और मैं क्रेडिट ले लेता हूँ हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने इनवॉइस के अगले 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट लिया हुआ है वो क्रेडिट आपको कैंसिल करना पड़ता है और रिवर्स करना पड़ता है। और जब आप सब्सिक्वेंटली पेमेंट करोगे तो आप इस क्रेडिट को वापस री अवेल कर सकते हो। वंस अगेन, आप लोगों ने यह पढ़ा हुआ है, the recipient is bound to make payment to the supplier within 180 days from the date of invoice. But if the recipient does not make payment within 180 days from the date of invoice, जो आपने क्रेडिट पहले ले रखा है वो क्रेडिट कैंसिल आउट हो जाता है, आपको रिवर्स करना पड़ता है, एंड दैट क्रेडिट कैन बी टेकन अगेन, दैट कैन बी टेकन अगेन वेन यू एक्चुअली मेक द पेमेंट। तो इन्होंने ना मई में 10,000 का आईटीसी रिवर्स किया था, हम तो अगस्त के महीने में है, बिकॉज क्वेश्चन ने मेरे से पूछा कि अगस्त के महीने में आप कितना क्रेडिट ले सकते हो, तो हम तो अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में हमने ये बात पढ़ी कि भाई मई के अंदर हमने एक क्रेडिट रिवर्स किया था क्योंकि हमने पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर नहीं की थी, लेकिन अब वो पेमेंट हमने अगस्त में कर दिया, तो आई एम एंटाइटल्ड टू री अवेल द क्रेडिट, मैं इस क्रेडिट को लेने के लिए एंटाइटल्ड हो चुका हूं, आई एम एंटाइटल्ड टू री अवेल दिस क्रेडिट, तो इस 10,000 पे भी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। तो यार देखो, पहले वाले पॉइंट पे नहीं मिला, जो आपका पहला पॉइंट था उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिला, दूसरे पॉइंट पे 9,000 का मिल गया, तीसरे पॉइंट पे आपको नहीं मिला और इस 10,000 का मिल गया, तो टोटल आप अगस्त में कितना क्रेडिट ले सकते हो, टोटल आप अगस्त में जो क्रेडिट ले सकते हो ₹19,000। तो थर्ड का आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इस, ये वाला जो एमसीक्यू है वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाला जाएगा। फोर्थ एमसीक्यू, आउट ऑफ परचेजेस मेड एंड आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग अर्लियर मंथ्स, आउट ऑफ परचेजेस मेड एंड आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग दिस अर्लियर मंथ्स, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एज ऑन सेप्टेम्बर। सप्लायर नेम एक्स वाई जी ए बी सी पी क्यू आर, पेमेंट इज ड्यू फॉर नंबर ऑफ डेज। मतलब आपने पहले कुछ सामान खरीदा और उनपे आईटीसी लिया, उनके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन है, मतलब एक्स वाई जी से जो आपने सामान लिया है उसकी पेमेंट 165 डेज तक से ड्यू है, हमें 180 डेज तक का टाइम मिलता है। एबीसी की पेमेंट जो 199 डेज से ड्यू है और पीक्यूआर की जो पेमेंट है वो 99 डेज से ड्यू है। तो यार एबीसी की जो पेमेंट है जो 199 डेज से ड्यू है ना, इस पे जो 15,000 का आईटीसी का क्रेडिट आपने लिया हुआ है वो इस महीने आपको रिवर्स करना पड़ा होगा। You would have been required to reverse it. 180 days तक आप क्रेडिट लेके रह सकते हो, 180 days के अंदर अंदर आपने पेमेंट अगर नहीं करी तो 180 days खत्म होते ही फिर आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो सितंबर के महीने के दौरान एबीसी वाला जो इनवॉइस है उसके 180 days कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको 15,000 क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, योर आंसर विल बी इक्वल टू ₹15,000। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड बाय विट्टल एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज। सो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये वाला पैरा, दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द फिफ्थ एमसीक्यू। विट्टल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड इन श्रीलंका। यार आपने पढ़ा हुआ है, अगर मेरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंडिया के बाहर लोकेटेड है और मैं उससे सर्विसेज रिसीव करता हूँ, अगर मेरी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इंडिया के बाहर लोकेटेड है और मैं उससे सर्विसेज रिसीव करता हूँ, सो माई टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स।
नंबर वन डेट ऑफ पेमेंट एंड नंबर टू डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट. इफ एन इंडियन इंपोर्टर इज रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम हिज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एज पर सेक्शन 13(3) द टाइम ऑफ द टैक्स यहाँ पे आरसीएम में जाएगा. द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स. पॉइंट नंबर वन डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड एंड पॉइंट नंबर टू डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड. डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपियंट. तो यहाँ पे ये देखो यार, रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर दिस सर्विस ऑन 1st September विच वॉज एंटर्ड बाई विट्टल एंड कंपनी इन इट्स बुक्स ऑन 10th October बट पेमेंट वॉज मेड ऑन 30th September. Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by Vittal and Company in its books on 10th October, but payment was made on 30th September. Raghu and Company ने invoice issue किया 1 सितंबर को, जो Vittal and Company ने अपने books में खर्चा book किया 10th October को, payment was made on 30th September. So, भाई, Vittal and Company has to make payment under reverse charge. जो Vittal and Company है, they have to make payment under reverse charge. तो टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13(3) क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13(3) विल बी डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड. डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड एंड डेट ऑन विच एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. डेट ऑन विच एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन दोनों में से whichever is earlier. इन दोनों में से whichever is earlier. So payment हुई किस दिन है? Payment आपकी यहां पे हो रही है 30th September को. और books of accounts में से कब recognize किया जा रहा है? Books of accounts में से recognize किया जा रहा है 10th October को. तो इन दोनों में से जल्दी कौन सा है? इन दोनों में से जल्दी 30th September है. तो यहां पे आपका answer is 30th September. Done with the second case study. Please read the third case study. We are done with the second case study. Please read the third case study. Third case study padhiyega करते हैं भाई डिस्कस थर्ड केस स्टडी. मेसर्स त्रियांबक एंड कंपनी आर एलएलपी रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज. द फर्म प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी to NBFC, Direct Selling Agency, DCA services to NBFC located in Mumbai. The firm also provided gift to each of its employees valuing rupees 50,000 once in a financial year. ठीक है जी. Messrs. Triambak and Company lets out its warehouse to Mr. Grushnesh, who in turn let it out to an agriculturist for warehousing of agricultural produce. The firm also undertakes milling of paddy into rice for various agriculturists. The firm was served with an order by the GST authority demanding to pay GST on two counts. Demand to pay GST of rupees 45,000 for suppression of sale figure in monthly return. Demand to pay GST of rupees 55,000 for fraudulently obtaining refund of GST. Further, in a particular month, the GST liability of the firm was rupees 20,000 IGST, rupees 10,000 CGST, rupees 10,000 SGST. The following credits were available in the said month: IGST 8,000, CGST 12,000, SGST 5,000. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interest rate unless specified otherwise. Conditions for availing ITC are fulfilled subject to the information given above.
Based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following question. Choose the correct statement. यहाँ पे GTA services और DSA services के लिए RCM में बात हो रही है. तो यार जो आपका first part है ना, वो first part आपका इस information के basis पे, जो आपका first MCQ है, वो आपका इस information के basis पे जज होगा. इतनी information के basis पे. तो एक चीज है, एक तो यहाँ पे GTA की services है और एक यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DCA वाली सर्विसेज है. तो यार जहाँ पे भी GTA किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहाँ पे आपका RCM लगता है. वेयर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST, आपका RCM का लॉ लगता है. अब यहाँ पे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो GST में रजिस्टर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका आराम से RCM लगेगा. तो GTA वाली सर्विसेज पे तो आपका RCM लगेगा. नेक्स्ट, द फर्म प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी सर्विसेज टू NBFC लोकेटेड इन मुंबई. तो यार DCA सर्विसेज के लिए RCM तभी लगता है जब जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है वो एक इंडिविजुअल हो, तब RCM लगता है. मैं बुक की एंट्री रीड आउट करता हूं आपके लिए. सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, फॉर RCM टू अप्लाई द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और LLP फर्म, एंड द रेसिपिएंट शुड बी अ बैंकिंग कंपनी और अ NBFC लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. DCA की सर्विसेज पे RCM तभी लगता है जब आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंडिविजुअल हो और आपका जो सर्विस रेसिपिएंट है वो बैंक या कोई NBFC हो. तो यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट तो बैंक या NBFC है, लेकिन आपका सर्विस प्रोवाइडर एक LLP है. तो यहाँ पे आपकी DCA वाली जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज पे RCM नहीं लगेगा बिकॉज The service provider is not an individual. DCA वाली services पे RCM नहीं लगेगा because the service provider is not an individual. Service provider individual नहीं है. तो यार GTA की services पे RCM है और जो DCA है उसकी services पे RCM नहीं है. So for GTA services, government is liable to pay GST under reverse charge. This statement is completely correct. For DCA services, NBFC is liable to pay GST under reverse charge. This statement is incorrect. For GTA services, Triambak and Company is liable to pay GST under forward charge. Incorrect. For DCA services, Triambak and Company is liable to pay GST under forward charge. This is correct. So the correct statements are first and fourth. So aapka jo correct answer aayega, wo C aayega. नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ ₹50,000 इन वैल्यू. यहां पे एक और लाइन लिखी थी आगे, द फर्म ऑल्सो प्रोवाइडेड गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज वैल्यूइंग ₹50,000 वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ ₹50,000 इन वैल्यू प्रोवाइडेड बाय ट्रायंबक एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स सप्लाई विल बी. तो यार याद करना, जहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, दैट मीन्स एम्प्लॉयर जो है वो फ्री में कुछ एम्प्लॉय को दे रहा है अपने. सो यहाँ पे इस कंटेक्स में हमने शेड्यूल वन में पढ़ा हुआ है कि यार अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को आपने पढ़ा हुआ है ये वाला पॉइंट कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट दिए तो GST में वो ट्रांजैक्शन कवर होती है, लेकिन जहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 तक के गिफ्ट किए दिए वो ट्रांजैक्शन GST में कवर नहीं होती है. शेड्यूल 3 जो मेरे पास है ना, वो कहते हैं ना सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे ना तो मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानूंगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानूंगा. तो गिफ्ट्स भी वहीं पे एक तरह से आते हैं, दैट इज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन. उस कंटेक्स्ट में शेड्यूल 1 ये कहता है कि 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट होगा तो वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. यहाँ पे तो आप एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट देगा, 50,000 से ज्यादा तो दे नहीं रहे हो. सो गिफ्ट ऑफ ₹50,000 इन वैल्यू प्रोवाइडेड बाय त्रियांबक एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. देखो जनरली क्या होता है, वेयर एन एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विसेज टू इज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3. इट इज नीदर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पर GST नहीं लगता. अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, सो दैट इज एन एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन.
तो एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन को हम सप्लाई नहीं मानते हैं, लेकिन शेड्यूल वन में ये बात लिखी हुई है कि अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा हुआ तो हम इसे सप्लाई मान लेंगे, बट हमारे यहाँ पे गिफ्ट 50,000 के अंदर अंदर है तो यहाँ सप्लाई मानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेसर्स त्र्यंबक एंड कंपनी, अब आपके थर्ड एमसीक्यू के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। मेसर्स त्र्यंबक एंड कंपनी लेट आउट सेट वेयर हाउस टू मिस्टर ग्रुनेश who in turn it let out to an agriculturist for warehousing of agricultural produce. The firm also undertakes milling of paddy into rice for various agriculturists. तो यार देखो, milling of paddy into rice जो होता है ना, वो exempt नहीं होता, वो taxable होता है। Exemption वाले chapter में मैंने ये entry specifically discuss की थी agricultural sector के साथ। Milling of paddy into rice is a taxable activity, इस पे tax लगता है, ये exempt नहीं होता है। Second, यहाँ पे इस transaction में second बात जो है वो क्या है, त्र्यंबक एंड कंपनी इन्होंने वेयरहाउस लेट आउट किया मिस्टर ग्रुनेश, और इन्होंने आगे इसे लेट आउट किया एक एग्रीकल्चरिस्ट को, और इन्होंने आगे लेट आउट किया एग्रीकल्चरिस्ट को फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो यार ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बिकॉज द लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज इन कनेक्शन विद वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बट ये जो है ना, ये जो है, ये कैसे करोगे आप भाई? हम वहां पे एक पॉइंट पढ़ते हैं ना, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कि वहां में एग्जेम्प्शन मिल जाती है। तो यार इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे बिटवीन ग्रुनेश एंड एग्रीकल्चर जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन पे तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बट त्र्यंबक एंड कंपनीज और ग्रुनेश के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वहां तो आपको आपको ये वाली एक्टिविटी तो आप सेकेंड लेग पे लगाओगे, इसको आप फर्स्ट लेग पे तो नहीं लगा सकते। तो ये वाली जो एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, वो एक्टिविटी आपके लिए टैक्सेबल रहेगी। जो दोनों की दोनों सर्विसेज है ना, वो दोनों की दोनों सर्विसेज आपके लिए टैक्सेबल है, दोनों एग्जेम्प्ट नहीं है। So which of the following statement is correct? Letting out of warehouse to Grushnesh is exempt. This is incorrect. Next, milling of paddy into rice is exempt. This is incorrect. Letting out of warehouse to Grushnesh is not exempt. Bilkul theek hai, ye taxable hai kyunki. Next, milling of paddy into rice is not exempt. Ye wali baat bhi bilkul theek hai, because hamari transaction jo hai wo taxable hai. The correct answer will be B, third and fourth. Next, Mr. Triambak and Company is eligible to claim input tax credit of. Mr. Triambak and Company is eligible to claim input tax credit of. तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन लिखी हैं, ये आपका फोर्थ एमसीक्यू है। The firm was served with an order by the GST authority demanding to pay GST on two counts. Demand to pay GST of rupees 45,000 for suppression of sale figures in monthly returns. Demand to pay GST of rupees 55,000 for fraudulently obtaining refund of GST. तो यार आपने 45,000 रुपीज पे किए क्योंकि डिमांड आई थी, क्योंकि आपने अपने रिटर्न्स के अंदर फिगर सप्रेस की थी। डिमांड टू पे जीएसटी ऑफ रुपीज 55,000 फॉर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ जीएसटी। तो यार सीधी सी बात है, हमें जीएसटी में क्रेडिट तभी मिलता है जब हमारा जीएसटी में हमें क्रेडिट तभी मिलता है जब हमने टैक्स गुड फेथ में पे किया होता है। आईटीसी वाले चैप्टर से मैं एक लाइन आपके लिए रीड आउट करता हूँ, सेक्शन 17(5) वाली ब्लॉक क्रेडिट, उससे आपको और याद इजीली रिकॉल हो जाएगा। एक हमने पॉइंट वहां पे पढ़ा था, ये रहा, टैक्सेस पेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस और अपॉन डिटेंशन ऑफ गुड्स कन्वेयंसेस इन ट्रांजिट और टुवर्ड्स रिडम्पशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेयंसेस। तो इन केसेस में आपको जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता, तो ना तो आपको 45 का क्रेडिट मिलेगा ना 55 का क्रेडिट मिलेगा। योर आंसर विल बी निल। मिस्टर त्र्यंबक एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, फोर्थ का आंसर विल बी डी, निल। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश। तो जो आपका फिफ्थ एमसीक्यू है वो इस इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है। आपके पास आपकी जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है, आईजीएसटी 20,000, सीजीएसटी 10,000, एसजीएसटी 10,000। द फॉलोइंग क्रेडिट्स वर अवेलेबल इन दिस सेड मंथ, आईजीएसटी का 8,000, सीजीएसटी का 12,000, एसजीएसटी का 5,000। तो यार देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। मेरी जो आउटपुट लाइबिलिटी है, मेरी आउटपुट लाइबिलिटी आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो मेरी आईजीएसटी की जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो 20,000 है, ठीक है, ये 10,000 है, ये 10,000 है।
सबसे पहले आपको पता है हम आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं, और आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करने के बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तब बाकी के क्रेडिट पे जाते हैं। तो आईजीएसटी क्रेडिट 8,000 है, वो 8,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसके बाद मैंने माइनस किया सीजीएसटी का क्रेडिट, जो सीजीएसटी का मेरा क्रेडिट है 12,000, 12,000 में से 10,000 तो मैंने यहाँ एडजस्ट किया और 2,000 यहाँ एडजस्ट किया। सीजीएसटी क्रेडिट इज फर्स्ट यूज अगेंस्ट सीजीएसटी लाइबिलिटी, उसके बाद कुछ बच जाए तो इट इज यूज अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी। इसके बाद मेरे पास है एसजीएसटी क्रेडिट, तो एसजीएसटी क्रेडिट मेरे पास है ही 5,000, तो पूरा 5,000 जो है वो पूरा 5,000 यहाँ चला गया। तो आपकी नेट लाइबिलिटी कितनी है? आपकी नेट लाइबिलिटी इज, योर नेट लाइबिलिटी इज 10,000 आईजीएसटी, सीजीएसटी निल एंड एसजीएसटी 5,000। तो आईजीएसटी 10,000 देना है, सीजीएसटी कुछ भी नहीं देना, एसजीएसटी 5,000 देना है। तो कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश। तो फिफ्थ का ए इज द करेक्ट आंसर, आईजीएसटी 10,000, सीजीएसटी निल एंड एसजीएसटी हमारा 5,000। ठीक है जी, सो वी आर डन विद द थर्ड केस स्टडी एज वेल। प्लीज रीड केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 देखो, लेट अस डिस्कस केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 अब डिस्कस करते हैं। मिस चंचला, अ डॉक्टर हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल, इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। ठीक है, शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन बींग पेड। शी ऑल्सो अवेल्ड आईटी रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन बोथ सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ हर प्रोफेशन। Miss Chanchala provided treatment of various diseases in her hospital and apart from that she also provided the following services in her hospital: plastic surgery to enhance the beauty of the face, ambulance services for transportation of patients, renting of space to run medical store in hospital premises. Theek hai ji. She is also a consultant in other hospitals and received rupees 40,000 as consultancy fee from other hospitals. Further, she also provides canteen facility and received rupees 55,000 from inpatients, rupees 35,000 from patients who are not admitted, and rupees 25,000 from visitors for the same facility. She filed GSTR 3B for the month of June with some error. She filed the annual return for the said financial year on 31st October of the next year, whereas due date for the said annual return is 31st December of the next year. Proper officer of the department cancelled the registration certificate of Ms. Chanchala Suomoto on 31st July. Order of cancellation was served on 5th August. However, she applied for revocation of the same and got her registration certificate revoked. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interested unless specified otherwise. From the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions. Theek hai ji. Which of the following is a correct statement as per the provisions of CGST? तो ये जो स्पाउस और सिस्टर इन लॉ से जो फ्री में सर्विसेज रिसीव हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन है। दैट मीन्स मेरा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो फर्स्ट एमसीक्यू इन स्टार्टिंग की दो लाइनों से रिलेट करता है। तो भाई याद करो, हम लोगों ने शेड्यूल 1 में पढ़ा हुआ है कि इंडिया के बाहर से अगर मैं फ्री में सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं अपने बिजनेस के लिए तो उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जा सकता है इफ द इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज इज इफ द सर्विसेज हैव बीन रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, उसको आप डीम्ड सप्लाई मान लेते हो। इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट की बिना कंसिडरेशन के लिए फ्री में, तभी वो शेड्यूल 1 में आ रही है। नंबर 1 बिजनेस के लिए होनी चाहिए, नंबर 2 रिलेटेड पर्सन से रिसीव होनी चाहिए। तो यार ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि दोनों सर्विसेज जो है वो प्रोफेशन के लिए, मतलब दोनों सर्विसेज जो आपने रिसीव की है वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस से लिंक्ड है। अब रिलेटेड पर्सन से आपको रिसीव होना चाहिए, तो रिलेटेड पर्सन में कौन आता है? रिलेटेड पर्सन में स्पाउस आती है, रिलेटेड पर्सन में चिल्ड्रन आते हैं, रिलेटेड पर्सन में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर भी आ सकते हैं अगर वो आप पे डिपेंडेंट हो।
लेकिन सिस्टर इन लॉ जो है वो रिलेटेड पर्सन के मीनिंग में नहीं आती है, तो जो स्पाउस है वो रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी, स्पाउसेज वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, और जो सिस्टर इन लॉ है वो सिस्टर इन लॉ जो है वो सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पर्सन नहीं मानी जाएगी। सिस्टर इन लॉ वो जो है वो रिलेटेड पर्सन के मीनिंग से बाहर है। सिस्टर इन लॉ शी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन। तो यार सीधी सी बात है, क्योंकि स्पाउस रिलेटेड पर्सन है और स्पाउस से मैंने सर्विसेज रिसीव की हैं, स्पाउस से मैंने जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज रिसीव करी हैं फ्री में, स्पाउस से मैंने सर्विसेज रिसीव की हैं फ्री में, तो जो सर्विसेज आपने फ्री में रिसीव करी हैं वो तो आपकी मानी जाएंगी सप्लाई। यहाँ पे आपका वो पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सो दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन शुड बी कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने भी यहाँ पे इम्पोर्टेशन की बात बोली, वो इम्पोर्टेशन की बात इनकरेक्ट है थोड़ी सी, क्यों? बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग द क्वेश्चन मेरे को लगा सर्विसेज इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट हुई है, ऐसा नहीं है, तो इम्पोर्टेशन वाला पॉइंट नहीं लगेगा। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट लगेगा सिंपली जहाँ पे हम सर्विसेज किसी कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पर्सन के साथ एंटर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा इससे ओवर रीड कर लिया था, ओवर साइटेडनेस की वजह से मेरे को लगा यहाँ पे इम्पोर्टेशन की बात हो रही, यहाँ पे इम्पोर्टेशन की बात नहीं है, ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ही है और ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन के साथ है, तो ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पर्सन के साथ होती है तो उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी उससे आप सप्लाई मान लेते हो, तो बात यही है कि स्पाउस रिलेटेड पर्सन है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई मान ली जाएगी, सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पर्सन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इम्पोर्टेशन वाला पॉइंट ना लग के यहाँ पे रिलेटेड पर्सन वाला पॉइंट लगेगा, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन सेम ही है कि जो ट्रांजेक्शन स्पाउस के साथ हो रही है वो ट्रांजेक्शन जो है वो सप्लाई है, जो ट्रांजेक्शन सिस्टर इन लॉ के साथ है वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है, बिकॉज सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पर्सन के मीनिंग से बाहर है। तो सर्विस अवेल फ्रॉम स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई, यस। सर्विसेज अवेल फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई, नो। सर्विसेज अवेल फ्रॉम सिस्टर स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, नो। सर्विसेज अवेल फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, यस। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट एंड फोर्थ, तो वो आपका पॉइंट नंबर ए है। नेक्स्ट, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई मिस चंचला। ठीक है जी, तो कैंटीन में क्या है, शी ऑल्सो प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी। आपका जो सेकेंड एमसीक्यू है वो सेकेंड एमसीक्यू इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इतनी से। शी ऑल्सो प्रोवाइड्स कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव्ड ₹55,000 फ्रॉम इन पेशेंट्स, ₹35,000 फ्रॉम पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड एंड ₹25,000 फ्रॉम विजिटर्स फॉर द सेम फैसिलिटी। तो यार आपको पता है जो हॉस्पिटल में कैंटीन फैसिलिटी होती है उस कैंटीन से अगर इन पेशेंट्स जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको खाना जाता है, वो खाना जो है ना दैट इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ केयर सर्विस, तो वो एक बंडल्ड सर्विस मानी जाती है, और बंडल्ड सर्विस जब मानी जाती है आप उसे कॉम्पोजिट सप्लाई मानते हो ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं लगता। तो इस 55,000 पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो पेशेंट्स एडमिटेड नहीं अगर वो खाना खा के जाते हैं कैंटीन में या विजिटर्स खाना खा के जाते हैं तो उस पर तो टैक्स लगेगा। तो ये 35,000 भी टैक्सेबल है और ये 25,000 भी टैक्सेबल है, तो 35 प्लस 25 दोनों मिला के ये 60 आएंगे। सो कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला, द आंसर विल बी ₹60,000। नेक्स्ट, मिस चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से निकल के आ रहे, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिस चंचला सुओ मोटो ऑन 31 जुलाई, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वॉज सर्व्ड ऑन 5 अगस्त, हाउएवर शी अप्लाइड फॉर रेवोकेशन ऑफ द सेम एंड गॉट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवोक्ड। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है अगर मुझे उसके रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, दैट एप्लीकेशन नीड्स टू बी गिवन विद इन 30 डेज ऑफ, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। जो आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर की पासिंग डेट नहीं कंसिडर करते, ऑर्डर किस दिन सर्व हुआ है वो मैटर करते हैं। आप अगर कैंसिलेशन वाले टॉपिक में जाओगे, इफ आई रीड आउट द एग्जैक्ट लाइन फॉर यू फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टॉपिक, सो रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में रेवोकेशन का, कैंसिलेशन का जो रेवोकेशन है
where the registration of a person is cancelled suo motu by the proper officer, such registered person may submit an application for revocation of such cancellation within 30 days from the date of service of order of cancellation. जब मतलब cancellation का order आपको serve किया जाता है, उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको apply करना होता है revocation के लिए. तो आपको cancellation का order 5th August को serve किया गया है. 31st July मेरे लिए date matter नहीं करेगी, 5th August matter करेगी. तो 5th August से 30 days आप count करोगे. August में मेरे पास remaining कितने दिन बचे? 26 और September के 4 दिन add हो जाएंगे. तो आपका by 4th September आपको revocation के cancellation के लिए apply, cancellation के लिए revocation के लिए apply करना है. So Ms. Chanchala should have applied for cancellation of registration certificate by 4th September. Next, maximum time permissible for rectification of error committed in monthly return of June is, ये तो आपको पता ही है भाई, आपके एक पर्टिकुलर साल की रिटर्न्स के अंदर कोई भी गलती है तो आप उसे कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? बाय 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर की जब एनुअल रिटर्न आपने भरी है तब, व्हिचएवर इज अर्लियर. वैसे तो एनुअल रिटर्न भरने की ड्यू डेट हमारे पास 31 दिसंबर तक होती है, बट कल को आप उसे पहले भर देते हो, 20th अक्टूबर से पहले भर देते हो, तो जब आपने एनुअल रिटर्न भरी है उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, शी फाइल्ड GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स. She filed the annual return for the said financial year on 31st October of the next year, whereas due date for the said annual return is 31st December of the next year. तो आपके पास यहाँ पे आएगा 20th October और 20th October मतलब जो September के return होती है ना उसकी due date, September के return जो होती है उसकी due date और 30th October actual date of annual return, actual date of filing of annual return, इन दोनों में से whichever is earlier, तो आपका आंसर आएगा 20th October of next financial year. ठीक है जी. Determine which of the following services provided by Miss Chanchala and her hospital is exempt from GST. Plastic surgery to enhance the beauty of the face, ये taxable होती है भाई. Next, ambulance service for transportation of patients, exempt होती है. Next, renting of space to run medical store in hospital premises, this is equivalent to immovable, renting of immovable property for commercial purposes, this is taxable. Next, consultancy services by Miss Chanchala in other hospitals, by as a doctor aap baki hospital mein jaake consultancy deke aate ho to ye services to fir hamari exempted hi kehlati hain. To kaun kaun si exempt hai? Second or fourth exempt hai, फर्स्ट और थर्ड टैक्सेबल है. क्वेश्चन ने क्या पूछा, कौन सी एग्जेम्प्ट है? तो भाई एग्जेम्प्ट तो सेकंड और आपकी फोर्थ है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी. तो फिफ्थ का आंसर है सी. सो आउट ऑफ 16 केस स्टडीज ऑफ जीएसटी वी आर डन विद द विद 4 केस स्टडीज. प्लीज रीड फिफ्थ केस स्टडी. चलो साथ साथ पढ़ते हैं फिफ्थ केस स्टडी फिर. मिस विशाली एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ केरला. द फर्म बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th जुलाई. इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त एंड वाज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय 14th अगस्त. The firm received sponsorship services from Leisure Trade Bay Private Limited for conducting a business expo. It received a consignment from Messrs. Safe Security, Safe from Messrs. Safe Logistics. It received a consignment from Messrs. Safe Logistics, a GTA, which charged 6% each CGST and SGST for its services. It also received security services from Prompt Security Agency Private Limited. The firm had opted for composition levy and its turnover for the quarter ending September was rupees 14 lakh, out of which taxable supply amounted to 4 lakh and exempted supply amounted to 4 lakh. Taxable supply amounted to 10 lakh and exempted supply amounted to 4 lakh. The firm made a supply of equipments to an unrelated limited company in the month of October having market value of 12 lakh, wholesale value of 13 lakh and maximum retail price was rupees 14 lakh. However, the transaction was made at rupees 11 lakh. The firm belatedly paid the tax amounting to 40,000 for the quarter ending December on 9th February of the succeeding year.
All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interstate unless specified otherwise. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. The first question is the effective date of registration. So effective date of registration ke context mein humne kya padha hua hai? If a person applies for registration within 30 days of becoming liable for registration, registration liable होने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप registration के लिए apply कर देते हो, the effective date is the date on which you became liable for registration. But if you do not apply for registration within 30 days of becoming liable for registration, then the effective date of registration is the date of grant of registration certificate. तो यार 10th जुलाई को आप liable हुए और आपने 10th अगस्त को apply किया, ध्यान से 30 days. जुलाई में इसके पास 21 डेज बचे हैं, 31 माइनस 10, अगस्त में 9 डेज, 30 डेज का टाइम पीरियड ना 9 अगस्त को खत्म हो चुका है. 30 डेज का टाइम पीरियड 9 अगस्त को खत्म हो चुका है, मतलब आपने जो 10th अगस्त को सबमिट किया है ना एप्लीकेशन, that is after 30 days, and where my application is submitted after 30 days, the effective date of registration is the date on which the registration certificate has been granted. In this question, the application has not been made within 30 days. It has been made after 30 days. So when the application is given after 30 days, the effective date of registration is the date on which the registration certificate is granted. So the correct answer will be D, 14th August. Next, amongst the services availed by Ms. Vishali and company, which of the following services are taxable under reverse charge? First, sponsorship services received from Leisure Trade Bay Private Company Limited. Second, GTA services received from Safe Logistics. Third, security services received from Prompt Security Agency Private Limited. So, yaar ek cheez dekho. Sabse pehle sponsorship ki baat karte hain. Let us first talk about sponsorship. So, sponsorship services mein, जो आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, उन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में स्पॉन्सर जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, स्पॉन्सर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता, स्पॉन्सर सर्विस रेसिपिएंट होता है. तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है लेजर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड. और सर्विस रेसिपियंट कौन है? सर्विस रेसिपियंट इज विशाली एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म. तो स्पॉन्सर के बारे में हमने क्या पढ़ा है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आरसीएम में टैक्स लगेगा अगर स्पॉन्सर या तो पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी कंपनी है. स्पॉन्सर अगर पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कंपनी है तो ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज लगेगा. अगर स्पॉन्सर जो है वो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो उस पर आपका आरसीएम का लॉ नहीं लगेगा. यहाँ पे हमारा स्पॉन्सर एक पार्टनरशिप फर्म है तो इस ट्रांजैक्शन पे आरसीएम लगेगा. Where the sponsor, the service recipient is a partnership firm or a body corporate, वो जो transaction है उस पर आपका RCM का law लगता है, तो sponsorship पे तो RCM लगेगा. Next, it received a consignment from Messrs. Safe Logistics, a GTA which charged C6% each, CGST and SGST for its services. जहां पे GTA 12% रेट ऑफ टैक्स को opt करती है ना, वहां पे RCM नहीं लगता है. आरसीएम लगने के लिए जो जीटीए है उसने टैक्स जो है वो टैक्स 5% वाला होना चाहिए, मतलब सीजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी 2.5 होना चाहिए. अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6.6 होता है तो वहां पे फिर आरसीएम नहीं लगता. देखो ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ ना, जीटीए वाली सर्विसेज पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट 6%. इन द क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ द जीटीए हैज पेड जीएसटी एट 6%. तो सीधी सी बात है, जीटीए वाली सर्विसेज पे आरसीएम नहीं है, GTA वाली सर्विसेज पे RCM नहीं है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड. तो सिक्योरिटी सर्विसेज के कंटेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं भाई. सिक्योरिटी सर्विसेज पे ना RCM तभी लगता है जब आपका सप्लायर जो होता है ना वो सप्लायर इंडिविजुअल हो, वो जो सप्लायर है वो पार्टनरशिप फर्म हो, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए. ये देखो सिक्योरिटी सर्विसेज, security services, services provided by way of, security services, services provided by way of
supply of security personnel provided to a registered person. The service provider या the supplier should be any person other than a body corporate and the recipient should be a registered person located in the taxable territory. The supplier should be a person other than a body corporate. और यहाँ पे हमारा service provider कौन है? Prompt Security Agency Private Limited. मतलब because is ये जो security services है ना, sponsorship services received from Leisure Trade Private Limited, यहाँ पे RCM लगेगा. GDA services received from Safe Logistics, यहाँ पे RCM नहीं लगेगा because GTA pays tax at 12%. And security services received from Prompt Security Agency Private Limited, यहाँ पे भी आपका RCM नहीं लगेगा. Why? Because service provider is a body corporate. Service provider body corporate नहीं होना चाहिए. GTA security services पे RCM लगने के लिए your supplier should be any person other than a body corporate and the service recipient should be a registered person located in the taxable territory. So the answer will be A. Say first wala point. Next, determine the value of supply of equipment under section 15(1) of CGST Act 2017 made by Messer Vishali and Company in the month of October. तो यार यहाँ पे एक चीज देखना. The firm made a supply of equipments to an unrelated company in the month of October having market value of rupees 12 lakh, wholesale value of rupees 13 lakh and maximum retail price was 14 lakh. However, the transaction was made at 11 lakhs. Market value 12 lakh thi, wholesale value 13 lakh thi, MRP 14 lakh thi, aapne transaction 11 lakh pe execute ki hai. When the transaction is being carried out with an unrelated person, the transaction value shall be the value of supply. When the transaction is being carried out with an unrelated person, the transaction value shall be treated as the value of supply. So, yahan pe aapka answer aayega 11 lakh. Next, compute the tax payable by the firm for the quarter ending September under CGST and SGST. Compute the tax payable by the firm for the quarter ending September under CGST and under SGST. तो यार आप एक चीज देखो, यहां पे ये एक मैन्युफैक्चरर है और इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है और इनका पूरे सितंबर एंडिंग क्वार्टर का जो टर्नओवर है वो 14 लाख है. एक मैन्युफैक्चरर को टोटल 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स देना होता है. जो सेक्शन 10(1) एंड 10(2) की कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, जो सेक्शन 10(1) एंड 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, 10(1) एंड 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम में अ मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, हमारा सितंबर एंडिंग क्वार्टर का जो हो हमारा टर्नओवर है वो 14 लाख है, तो एग्रीगेट टर्नओवर 1% टैक्सेबल टर्नओवर का नहीं, 1% एग्रीगेट टर्नओवर का, 14 लाख का 1% विल बी इक्वल टू रुपीज 14,000. तो 14,000 हाफ हाफ आ जाएगा, 7,000 जीएसटी एंड 7,000 एसजीएसटी. तो द आंसर इज रुपीज 7,000 ईच, फोर्थ का बी पार्ट. लास्ट, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स. तो भाई एक चीज देखना, द फर्म बिलेटेडली पेड द टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर ऑन 9th February ऑफ द सक्सीडिंग ईयर. तो यार कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वार्टर विद इन 18 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर. मतलब अगर मेरा अक्टूबर से लेके दिसंबर वाला क्वार्टर है तो इसकी जो टैक्स पेमेंट है वो टैक्स पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? इसकी टैक्स पेमेंट आपकी हो जानी चाहिए बाय 18th Jan तक हो जानी चाहिए. ड्यू डेट है ये, आपको याद होगा हमें जीएसटी CMP 08 भरनी होती है, विच इज अ स्मॉल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स. And tax actually कब पे हुआ है? टैक्स एक्चुअली में पे हुआ है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 9th Feb. कितने दिन का डिले है? जनवरी में 13 डेज और फेब के 9 डेज, तो टोटल 22 डेज. जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, 18 का ड्यू डेट है, तो 13 दिन जनवरी के और 9 दिन फरवरी के, टोटल 22. तो ये आपका कितना आएगा भाई, 40,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है? 18%. 40,000 इंटू 18% इंटू 22 डिवाइडेड बाई 365.
18% पर एनम क्रिएट होती है ना, तो 40,000 इंटू 18% इंटू 22 डिवाइडेड बाई 365, तो ये 433.9 कुछ आएगा, तो योर करेक्ट आंसर विल बी रुपीज 434। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, मैंने तो करके देखी हुई है। तो 40,000 इंटू 18% इंटू 22 डिवाइडेड बाई 365, ये आपका आएगा 433.9 समथिंग, तो ये दिस विल यू कैन राउंड इट ऑफ टू 434। सो डन विद द फिफ्थ केस स्टडी ऑल्सो। मजा आएगा होगा आपको अगर आपके अच्छे से आंसर्स निकल गए, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डेवलप होता है। सर क्या ये हमें प्रैक्टिस बार बार करनी है केस स्टडीज? नहीं, एक बार करके बस छोड़ देना, एक बार हम बस इनको इसलिए प्रैक्टिस करें ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी लेवल के एमसीक्यूज आएंगे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट हैव ऑलवेज सेड कि सर जिस तरह के एमसीक्यूज आपने अपने एमसीक्यू बुकलेट में डाले हुए, चाहे वो इंडिविजुअल चैप्टर वाइज है या केस स्टडी बेस्ड है, मोटे मोटे उसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। यस, द क्वेश्चन फॉर्मेशन कैन बी अ लिटिल डिफरेंट बट कंटेंट मोटा मोटा वही होता है। So maximum students have always given this feedback कि sir if we are able to cover your GST MCQ, GST and income tax MCQs which are given in your booklet, हमारा पेपर में कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी, so we are done with case study 5. Now moving on to case study 6. पढ़ो भाई। पढ़े इसको, करें डिस्कस। चलो जी, साथ में डिस्कस करते हैं केस स्टडी नंबर 6 को। मिस्टर मंदीप, अ रजिस्टर्ड डीलर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द स्टेट ऑफ असम। ही अवेल्ड आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंडन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात हो रही है। ही ऑल्सो अवेल्ड डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंडन फॉर रुपीज 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस। तो यार एक सीधी सी चीज है, he availed architect services for his business from his friend in London free of cost. He also availed designing services from his brother in London for rupees 5 lakh for his personal purposes. और इसी के basis पे ही आपका first question बना हुआ है, in respect of services imported by Mr. Mandeep, which of the following is a correct statement? तो यार देखो, आपने अपने business के लिए India के बाहर से free में services receive करी हैं अपने friend से। इंडिया के बाहर से अगर मैं फ्री में बिजनेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई तभी मानी जाती है अगर मैंने वो ट्रांजैक्शन एंटर की है किसी रिलेटेड पर्सन के साथ। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट एनी पेमेंट शैल बी डीम्ड एज अ सप्लाई इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट बात है यहाँ पे फ्रेंड से आपने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं, फ्रेंड जो है वो रिलेटेड पर्सन के मीनिंग में काउंट नहीं होता। तो जो ये आर्किटेक्ट सर्विसेज है ना, इन आर्किटेक्ट सर्विसेज को आप इन आर्किटेक्ट सर्विसेज को आप सप्लाई नहीं मानोगे बिकॉज द ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड विद अ रिलेटेड पर्सन, द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड विद अ फ्रेंड। नेक्स्ट, ही ऑल्सो अवेल डिजाइनिंग सर्विसेज, उसने डिजाइनिंग सर्विसेज भी अवेल की है फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंडन फॉर रुपीज 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस। तो याद करो हमने पढ़ा हुआ है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज डीम्ड एज सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द ट्रांजैक्शन हैज बीन कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर इंडिया के बाहर से मैं सर्विसेज को इंपोर्ट करता हूं अगर उस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन है तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा मेरे लिए सप्लाई मानी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने वो ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए एंटर की है या पर्सनल पर्पस के लिए एंटर की है। तो ये 5 लाख वाली जो डिजाइनिंग सर्विसेज वाली ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई मानी जाएगी। डिजाइनिंग सर्विसेज ये जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है जी, सो आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज बिजनेस, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आर्किटेक्ट इज पहली स्टेटमेंट गलत है बिकॉज आर्किटेक्ट सर्विसेज सप्लाई नहीं है। डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंडन फॉर 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, बात ठीक है। Architect services for his business from his friend in free of cost is not considered as a supply, ये बात ठीक है। तो दूसरी और तीसरी बात ठीक है, पहली जो बात है वो पहली बात गलत, पहली और चौथी वाली बात गलत है। ठीक है जी, और आगे पढ़ते हैं। He avails services which are liable to tax under reverse charge for which date of invoice was 1st September. Payment date as per his books of accounts and as per his bank account was 15th November and 18th November respectively. इन्होंने सर्विसेज रिसीव करी हैं रिवर्स चार्ज में, ठीक है जी, जिनका डेट ऑफ इनवॉइस 1st सितंबर है, पेमेंट डेट एज पर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर हिज बैंक अकाउंट वाज 15 नवंबर 18 नवंबर रिस्पेक्टिवली।
His turnover for the current financial year is as follows: taxable supply of goods 55 lakh, exempt supply of goods 16 lakh, inward supply liable to tax and reverse charge 8 lakh. He intends to start providing services also from the next financial year and also to avail composition scheme under Section 10(1) of the CGST Act. He also wishes to make supplies to the government. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interested unless specified otherwise. ठीक है. First question तुम्हारा हो गया. Second question. Determine the time of supply of services received by Mr. Mandeep and taxable under reverse charge. तो section आपका यहाँ पे 13(3) लगेगा. 13(3) में हम कहते हैं where the services are taxable under reverse charge. Time of supply shall be earlier of the following two dates. First, 61st day from invoice. और डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैंक अकाउंट में एंट्री या पासबुक में एंट्री या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, विच एवर इज अर्लियर. तो यार देखो, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री 15 नवंबर को करी है, बैंक अकाउंट में जो है वो 18 नवंबर है. इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी. सो डेट ऑफ पेमेंट विल बी 15 नवंबर. नेक्स्ट, आपका जो इनवॉइस आया है वो इनवॉइस आपका 1 सितंबर को आया है. योर इनवॉइस 1 सितंबर को आया है तो 61st डे आपको काउंट करना है. तो अगर आप एक चीज देखना, सितंबर में आपके 29 डेज हैं, अक्टूबर में आपके 31 डेज है, तो टोटल मिला के कितने डेज हैं? टोटल मिला के 60 डेज है. सितंबर में 29 डेज है, अक्टूबर में 31 डेज है, टोटल मिला के 60 डेज है. तो 60 डेज आपके 31st अक्टूबर को खत्म होते हैं. तो आपका 61st डे कौन सा होगा? आपका 61st डे विल बी 1 नवंबर. सितंबर में 29 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, 60 डेज आपके 31st अक्टूबर को खत्म होते हैं. तो यार 61st डे विल बी 1 नवंबर. So determine the time of supply of services received by Mr. Mandeep and taxable under reverse charge, that will be 1st November. Next, compute the aggregate turnover of Mr. Mandeep for the given financial year. Mr. Mandeep ka current financial year ke liye aggregate turnover kya hai? To yaar aggregate turnover mein hum outward leg ka taxable aur exempt dono consider karte hain, lekin hum inward leg ke transactions consider nahi karte hain. To aapka jo aggregate turnover hai wo 55 lakh plus 16 lakh 71 lakhs aayega. Aapka jo aggregate turnover hai na, वो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते टाइम पे ये 8 लाख इंक्लूड नहीं होगा. सो योर आंसर विल बी सी, रुपीज 71 लाख. नेक्स्ट, मिस्टर मंदी विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट ही कैन सप्लाई सर्विसेज ओनली अप टू. तो भाई मिस्टर मंदीप जो है वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल सप्लाई करने में इन्वॉल्व है. तो आ सप्लायर ऑफ गुड्स कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड वो सर्विसेज एक लिमिटेड वैल्यू तक की प्रोवाइड कर सकता है, विच इज 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख, विच एवर इज हायर. तो आप अगले साल कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट, कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप सेक्शन 10(1) की ऑप्ट करते हो, स्टिल आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो अगले साल. कितने तक की? तो भाई इस साल का तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका 71 लाख है, तो 71 लाख का 10% विल बी 7.1 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर. तो आंसर इज 7.1 लाख. अगर आप अगले साल कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो सेक्शन 10(1) की, तो आप 7.1 लाख तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. इन केस ही सप्लाई सर्विसेज टू स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेप्ट. 3 पॉइंट लिखे हैं, इनको समझने के लिए एक बार स्टडी मटेरियल की हेल्प ले लेते हैं. जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो पॉइंट्स होते हैं, उन वाले पॉइंट में से 2 पॉइंट हैं ये वाले. ये देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में, प्योर सर्विसेज excluding works contract service or other composite supply involving supply of any goods provided to central government, state government or union territory or local authority or a governmental authority or a government entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under article 243g of the constitution or in relation to any function entrusted to a municipality under article 243w of the constitution. तो प्योर सर्विसेज अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो इन रिलेशन टू आर्टिकल 243G और 243W, तो वो एग्जेम्प्ट है. तो भाई ये वाला तो पॉइंट आएगा ही आएगा. स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, आर्टिकल 243 जो म्यूनिसिपैलिटी का फंक्शन इन इंटरेस्ट के उसके कनेक्शन में है ये. तो प्योर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, फर्स्ट तो एग्जेम्प्ट है. उसके बाद नेक्स्ट, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सिमिलर तरह की एंट्री है.
कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस सेट कॉम्पोजिट सप्लाई। तो ये वाली ट्रांजैक्शन में आप कहते हो कि कॉम्पोजिट सप्लाई जो है यहाँ पे गुड्स की जो वैल्यू है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओवरऑल ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पे लिखा है कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ सेट कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% वैल्यू। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दो अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। तो लॉ में एक तो प्योर सर्विसेज वाले पॉइंट को एग्जेम्प्ट किया हुआ है और दूसरा पॉइंट जो एग्जेम्प्ट किया हुआ है वो दूसरे पॉइंट जहां पे एग्जेम्पशन दे रखी है वहां पे बोला गया है कि गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा है। तो हमारे लिए ये वाली एंट्री एग्जेम्प्ट है, सेकेंड वाली, थर्ड वाली एंट्री हमारे लिए टैक्सेबल है। सर्विसेज की वैल्यू एटलीस्ट यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई में 75% होनी चाहिए इन द गिवन फैक्ट्स। तो आपकी फर्स्ट और सेकेंड जो है वो एग्जेम्प्ट है। डन, वी आर डन विद द केस स्टडी 6 ऑल्सो। Now let's move to case study 7. Case study number 7 देखते हैं। Case study number 7, Miss Riya is a multifaceted business personality. She is registered under GST from April this year. She wants to opt for composition levy. She supplied a package consisting of stapler, calculator and charger at a single price of Rs. 300. Rate of GST for stapler, calculator and charger is 5%, 12% and 18% respectively. She received following payment during the month of May. First, earned Rs. 1,60,000 by performing a Western music in a cultural event at a resort. Earned Rs. 50,000 by providing services by way of renting of residential dwelling for use as boutique. Third, received Rs. 70,000 by way of rent for letting of agro machinery. Miss Riya made a supply during June, details of which are as follows: basic price of the product before TCS under Income Tax Act 45,000. Tax collected at source under Income Tax Act 1961, Rs. 2,500. She received a subsidy of Rs. 3,500 from Green Foundation Private Limited for usage of green energy and the subsidy was linked to saving energy. Ms. Riya provides the following information regarding receipt of invoice supplied during July. Received invoice for goods having GST component of Rs. 30,000. Goods were to be delivered in 5 lots, out of which 3 lots were received in the current month. Purchased a car having GST component of Rs. 1,50,000 for the usage in a driving school owned by her. Availed health insurance services for her employees on her own and paid GST of Rs. 7,000 thereon. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is intrastate unless specified otherwise. Conditions necessary for claiming input tax credit have been fulfilled subject to the information given below. From the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. What would be the nature of supply and the applicable rate of GST for the supply of package made by Ms. Riya when not registered under composition scheme? Composite supply, mixed supply, composite supply, mixed supply, alag-alag rate hai. To ye jo sari ki sari kahani hai na, wo ultimately is wali cheez pe hai. First MCQ jo hai, jo maine portion highlight kiya hai, us pe hai. She supplied a package consisting of stapler, calculator and charger at a single price of 300. Bhai, stapler, calculator aur charger, ye koi ordinary course mein to milta nahi hai. Ye koi composite supply to hai nahi. Ye apne aap mein ek mix supply hai. Aur jahan mix supply hoti hai, wahan pe aap kaun sa rate of tax lete ho? Mix supply ke case mein aap wo rate of tax lete ho jo highest hota hai. इंडिविजुअल कंपोनेंट में से जिस पे हाईएस्ट रेट होता है वो रेट पूरे पैकेज पे लगता है, पूरे मिक्स सप्लाई पे लगता है. तो हाईएस्ट रेट यहाँ पे 18% है, तो ये जो पैकेज है वो मिक्स सप्लाई की तरह टैक्स होगा और रेट यहाँ पे लगेगा आपका 18%. तो फर्स्ट का आंसर आपके पास आएगा बी, मिक्स सप्लाई एप्लीकेबल रेट 18%. नेक्स्ट, मिस रिया कैन ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ एरेटेड वाटर, टबैको, पान मसाला, मिल्क. तो आपको पता है अगर मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है,
I should not be involved in four products. I should not be मैन्युफैक्चरिंग फोर प्रोडक्ट्स. दोस फोर प्रोडक्ट्स आर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है भाई? आपके हैं एक तो टबैको एंड टबैको सब्स्टिट्यूट्स, एक आपका है पान मसाला, एक आपके पास है आइसक्रीम और एक आपके पास है एरेटेड वाटर. हम कहते हैं टबैको एंड अदर मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स, पान मसाला, आइसक्रीम्स एंड एरेटेड वाटर. अगर आप इनमें डील करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. तो अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में तब ऑप्ट कर सकता हूँ इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ एरेटेड वाटर यस, टबैको यस एंड पान मसाला यस. आप इन तीनों की सप्लाई नहीं करोगे तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो. आप मिल्क की सप्लाई करते हो तब भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो. अगर आप एरेटेड वाटर, टबैको और पान मसाला को सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. अगर आप मिल्क सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो. तो किस किस चीजों, किन किन चीजों की सप्लाई नहीं होनी चाहिए? एरेटेड वाटर, टबैको एंड पान मसाला. तो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज पॉइंट नंबर सी. नेक्स्ट, आउट ऑफ पेमेंट्स रिसीव बाय मिस रिया इन द मंथ ऑफ मे एग्जिम सप्लाई अमाउंट्स टू. तो यार ये पेमेंट इन्होंने रिसीव की है. मिस रिया मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून. नहीं, ये पेमेंट्स ये वाले रिसीव किए हैं इन्होंने. तो आपका सेकेंड एमसीक्यू इस इंफॉर्मेशन पे है. देखते हैं भाई, शी रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. अर्न रुपीज 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग अ वेस्टर्न म्यूजिक इन अ कल्चरल इवेंट एट अ रिजॉर्ट. तो हम कहते हैं नंबर वन, तो भाई आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो क्लासिकल आर्ट फॉर्म डांस में होनी चाहिए, क्लासिकल फॉर्म में होनी चाहिए. आपका वेस्टर्न में तो चलेगा ही नहीं. और क्लासिकल में भी तभी एग्जेम्पशन होती है इफ द कंसिडरेशन दैट यू आर चार्जिंग इज रुपीज 1,50,000 और लेस. यहाँ पे आपने कंसिडरेशन 1,60,000 चार्ज किया तो ये तो टैक्सेबल है. अगर ये 1,50,000 से कम होता तब भी ये टैक्सेबल होता, 1,60,000 है तो भी टैक्सेबल है. क्यों? बिकॉज वेस्टर्न म्यूजिक है. आपका जो डांस होना चाहिए वो क्लासिकल फॉर्म में होना चाहिए. नेक्स्ट, अर्न 50,000 बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एग्जेम्प्ट होता है. यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज बुटीक है तो ये टैक्सेबल है. अगर आप घर रहने के लिए किराए पे देते हो तो एग्जेम्प्ट होता है. यहाँ पे घर आपने बुटीक खोलने के लिए किराए पे दिया तो ये टैक्सेबल है. नेक्स्ट, रिसीव्ड रुपीज 70,000 बाय वे ऑफ रेंट फॉर लेटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी. अगर आप एग्रो मशीनरी को किराए पे देते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में. तो पहली दोनों ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, दूसरी ट्रांजैक्शन जो है, तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जेम्प्ट है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन टैक्सेबल, सेकंड ट्रांजैक्शन टैक्सेबल, थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जेम्प्ट है. तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आउट ऑफ पेमेंट रिसीव बाय मिस रिया इन द मंथ ऑफ मे एग्जेम सप्लाई अमाउंट्स टू. तो थर्ड वाले का अमाउंट कितना है? 70,000. ठीक है. नेक्स्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट मेड बाय मिस रिया. देखते हैं भाई, बेस प्राइस प्रोडक्ट का 45,000 है. इनकम टैक्स में इस प्रोडक्ट पे 2,500 का TCS कलेक्ट किया जाता है. यार TCS आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है. अगर कोई भी सप्लायर जो मेरे को गुड्स बेच रहा है वो मेरे से TCS कलेक्ट करता है, अल्टीमेटली उसे उस TCS का पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है. अल्टीमेटली उससे ये TCS का जो पैसा है वो TCS का पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है. तो ये 2,500 रुपये तो यार गुड्स के सप्लाई के कनेक्शन में नहीं है. गवर्नमेंट ने एक्चुअली में 2,500 रुपये लाइबिलिटी डाली है सप्लायर से कि आप इनसे कलेक्ट करके हमें दे देना. ये जो 2,500 रुपये है ये एज सच कोई वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा. ये तो ओवर एंड अबव एडिशनल अमाउंट है जो सप्लायर आपसे लेके गवर्नमेंट को जमा कराएगा, जिससे बाद में आप अपनी इनकम टैक्स में टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो. तो इस पॉइंट का तो GST में वैल्यू निकालते टाइम पे कोई रोल ही नहीं है. नेक्स्ट, She received a subsidy of ₹3,500 from Green Foundation Private Limited for usage of green energy and the subsidy was linked to saving energy. आपको Green Foundation Private Limited से subsidy मिली है for usage of green energy and the subsidy was linked to saving energy. जो भी आपको subsidies मिलती हैं central government या state government से वो minus हो सकती हैं provided they are linked to the value of supply. They are linked to the supply. अब यहाँ पे आपको नॉन गवर्नमेंटल बॉडी से एनर्जी सेव करने के लिए सब्सिडी मिल रही है, इसका इस सप्लाई से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये 3,500 माइनस नहीं होगा. सो योर वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल रिमेन रुपीज 45,000. तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट मेड बाय मिस रिया. योर आंसर विल रिमेन रुपीज 45,000. नेक्स्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस रिया. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस रिया. तो आपके लिए अब ये लास्ट वाला पैरा जो है वो मैटर करता है.
Ms. Riya provides the following information regarding receipt of inward supply during July. Received invoice for goods having GST component rupees 30,000 goods were to be delivered in 5 lots, out of which 3 lots were received in the current month. तो जब आपको पता है कि जब भी गुड्स लॉट में रिसीव होते हैं आपको क्रेडिट मिलता है अपॉन रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट. तो अभी लास्ट लॉट रिसीव नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है अभी क्रेडिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, परचेज्ड अ कार हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ रुपीज 150,000 फॉर यूसेज इन अ ड्राइविंग स्कूल ओन्ड बाय हर. अगर एक मोटर व्हीकल हम खरीदते हैं जनरली क्रेडिट नहीं मिलता, बट इफ वी आर इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ मोटर ड्राइविंग स्कूल एंड वी आर यूजिंग दिस कार फॉर इम्पार्टिंग दोज स्किल्स, तो फिर यहां पे आपको कार का क्रेडिट मिलता है, तो 150,000 का क्रेडिट मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट, अवेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर हर एम्प्लॉइज ऑन हर ओन एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 7,000 देयर ऑन. आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज अवेल की और आपने 7,000 रुपए का जीएसटी पे किया है. ऑन हर ओन का मतलब वॉलेंटरली आपने लिया है, वॉलेंटरली आपने ये सर्विसेज अवेल की है. देखो क्या होता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का करवाते हो और उस पर जो आप जीएसटी पे करते हो उस जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल सकता है अगर आपने जो ये इंश्योरेंस है, दैट इंश्योरेंस, अगर आपके लिए ये जो इंश्योरेंस है दिस इंश्योरेंस इज मैंडेटरी एज पर द लॉ. अगर ये इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी है एज पर द लॉ तब आपको इसका बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको इसका आपको इस जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है. अगर गवर्नमेंट आपके लिए मैंडेटरी करे अंडर अ लॉ टू टेक इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज तब क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. योर आंसर विल बी रुपीज 150,000. तो फिफ्थ का आंसर विल बी सी. डन. केस स्टडी नंबर 8. We are done with case study number 7. Case study number 8. करते हैं केस स्टडी नंबर 8 डिस्कस. मेसर्स शांकी कंसल्टेंट्स अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली रेंडर्स फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर. सिक्योरिटी सर्विसेज रुपीज 2 crore टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज. मैनपावर सर्विसेज अकाउंटेंट्स रुपीज 5 lakh. ऑडिटिंग सर्विसेज रुपीज 1 crore. अदर इंफॉर्मेशन, Shanky consultant paid sponsorship service fees of rupees 70,000 at a seminar organized by a private NGO. Shanky consultant pays rent amounting to rupees 6 lakhs for a building owned by MCD. Assume all services are taxable at 18% and all transactions to be intrastate supply. Yeah. Question pe jaane se pehle ek bar ye dekh lete hain kyunki hame yahan samajh aa raha hai kuch transactions RCM mein kuch nahi hai. तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन आरसीएम में. सबसे पहले ये शांकी कंसल्टेंट्स का आउटवर्ड लेग है. ये शांकी कंसल्टेंट्स का आउटवर्ड लेग है और ये शांकी कंसल्टेंट्स का इनवर्ड लेग है. ठीक है जी. Security services rupees 2 crore to registered business entity Shanky Consultants is a partnership firm registered in Delhi. तो वही सिक्योरिटी सर्विसेज वाली अभी हमने एंट्री पढ़ी थी. सिक्योरिटी सर्विसेज में इफ द सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी दैट ट्रांजैक्शन विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो यहाँ पे जो आपका सप्लायर है वो सप्लायर एक पार्टनरशिप फर्म है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो आरसीएम में टैक्स होगी. नेक्स्ट, मैन पावर सर्विसेज अकाउंटेंट रुपीज 5 lakh. तो क्या बोलते हैं ये वाली ट्रांजैक्शन एफसीएम होगी बिकॉज मैन पावर जो आपने लोग भेजे हैं वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए नहीं अकाउंटेंट भेजे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन एफसीएम में कवर है. ऑडिटिंग सर्विसेज पे भी आपको टैक्स एफसीएम में देना पड़ेगा. मतलब ये तीन तरह की सर्विसेज जो शांकी कंसल्टेंट्स ने प्रोवाइड की है इस पे टैक्स जो है मैन पावर सर्विसेज और ऑडिटिंग सर्विसेज पे जो टैक्स है वो शांकी कंसल्टेंट्स एफसीएम में देंगे. शांकी कंसल्टेंट्स एफसीएम में देंगे
और ऑडिटिंग सर्विसेज में भी जो टैक्स है वो शैंकी कंसल्टेंट जो है वो एफसीएम में देंगे, और जो पहले वाली सिक्योरिटी सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज उस ट्रांजैक्शन पे आरसीएम लगेगा, और जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो टैक्स देंगे अंडर आरसीएम। ठीक है जी, आरसीएम में टैक्स शैंकी कंसल्टेंट को नहीं देना है इस ट्रांजैक्शन पे, क्यों? बिकॉज शैंकी कंसल्टेंट तो सप्लायर है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी जो है वो टैक्स देंगी आरसीएम में। नेक्स्ट, शैंकी कंसल्टेंट पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ ₹70,000 एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज बाई प्राइवेट एनजीओ अ पार्टनरशिप फर्म। तो यार जो स्पॉन्सरशिप फीस पे करता है वो रेसिपियंट होता है, तो शैंकी कंसल्टेंट जो है इन्होंने स्पॉन्सरशिप का पैसा पे किया है तो ये सर्विस रेसिपियंट है, और सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर एक एनजीओ है। सो एनजीओ इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू शैंकी कंसल्टेंट। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर सर्विस रेसिपिएंट वो जो स्पॉन्सर है जो पैसे दे रहा है अगर वो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स आरसीएम में लगता है। शैंकी कंसल्टेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म है तो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स आरसीएम में लगेगा, और आरसीएम में टैक्स कौन देगा? शैंकी कंसल्टेंट देगी, बिकॉज यहाँ पे शैंकी कंसल्टेंट सर्विस रिसीव कर रही है। ऊपर जो 3 पॉइंट्स थे वहां पे शैंकी कंसल्टेंट का वो आउटवर्ड लिखा था, वेयर शैंकी कंसल्टेंट्स वाज द सप्लायर एंड द अदर पर्संस वर रेसिपिएंट। ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनवर्ड लेग, इनवर्ड लेग के अंदर हम कहते हैं शैंकी कंसल्टेंट्स इज द रेसिपिएंट एंड द अदर वेंडर्स आर द सप्लायर। नेक्स्ट, शैंकी कंसल्टेंट पे इज रेंट अमाउंटिंग टू ₹6 लाख फॉर अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एमसीडी। तो यार सीधी सी बात है, जहां पे भी लोकल अथॉरिटी, एमसीडी इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जहां पे भी कोई लोकल अथॉरिटी है और वो लोकल अथॉरिटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट करती है तो जो जो रेंट आता है उस रेंट पे टैक्स आरसीएम में बनता है, तो आरसीएम में शैंकी कंसल्टेंट्स को टैक्स देना होगा। ठीक है जी, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शैंकी कंसल्टेंट्स? तो आपको पता है ये एग्रीगेट टर्नओवर में ना हम सिर्फ आउटवर्ड लेग लेते हैं, इनवर्ड लेग नहीं लेते। एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, आउटवर्ड लेग पूरा एग्रीगेट टर्नओवर होता है, चाहे टैक्स उस पे आपको खुद देना है अंडर एफसीएम या आपके रेसिपिएंट को देना है अंडर आरसीएम, बट वो काउंट आउटवर्ड लेग में ही होता है। तो ये स्टार्टिंग के तीनों ट्रांजैक्शंस का अमाउंट ऐड करके आप कहोगे 3 करोड़ 5 लाख जो है वो शैंकी कंसल्टेंट्स का एग्रीगेट टर्नओवर है। जीएसटी लाइबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय शैंकी कंसल्टेंट्स। तो यार ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है इन दोनों पे आरसीएम है, तो 6.7 लाख पे आप 9% जो है इतना ही सीजीएसटी दोगे और इतना ही एसजीएसटी दोगे। तो 6.7 लाख का 9% इज सीजीएसटी ₹60,300 एंड एसजीएसटी इज ₹60,300। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शैंकी कंसल्टेंट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। मतलब इस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो यार ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन में टैक्स आरसीएम में बिजनेस एंटिटीज को पे करना है। शैंकी कंसल्टेंट्स, यहां पे मैं लिख लेता हूं ना आसानी हो जाएगी, जो शैंकी कंसल्टेंट है इट इज द सप्लायर, इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज, और इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स आरसीएम में लगेगा, एफसीएम में नहीं लगेगा, आरसीएम में लगेगा। क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है? यस, बट टैक्सेबल आरसीएम में है। शैंकी कंसल्टेंट को टैक्स नहीं देना है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देना है। तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट, शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस। बिल्कुल, जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस तो सप्लायर को इशू करना पड़ेगा, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल। ये तो ठीक लगती है, बट एक बार आगे की भी देख लेते हैं। शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई स्टेटिंग टैक्स टू बी पेड बाय सर्विस एंड पर्सन अंडर रेसिपिएंट चार्ज। ये गलत है, क्यों? बिकॉज यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई इज यूज्ड वेयर द ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट और वेयर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। यहां पे सप्लायर कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है और ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो ये वाला पॉइंट तो सरासर गलत है। हाँ, अगर यहां लिखा होता ना शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू टैक्स इनवॉइस स्टेटिंग टैक्स टू बी पेड बाय सर्विस रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये बिल्कुल ठीक होती बात, बट यहां पे इन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया, बिल ऑफ सप्लाई, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट, शैंके कंसल्टेंट कैन इश्यू एनी डॉक्यूमेंट इन लियो ऑफ टैक्स इनवॉइस, नहीं टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा. शैंके कंसल्टेंट शैल इश्यू रिसीट वाउचर एवरी टाइम शैंके कंसल्टेंट रिसीव्स पेमेंट, नो. रिसीट वाउचर तो हम तब इश्यू करते हैं जब हमें एडवांस मिल जाता है. व्हेन वी रिसीव एनी एडवांस फ्रॉम आवर प्रपोज कस्टमर देन वी इश्यू अ रिसीट वाउचर. तो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल गलत है, पॉइंट नंबर बिल्कुल ठीक है. शैंके कंसल्टेंट शैल इशू अ जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस. पॉइंट नंबर 2 इसलिए गलत है बिकॉज यहाँ बिल ऑफ सप्लाई लिखा है. जो देखो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है तो इसका टैक्स इनवॉइस आएगा. हाँ, ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर है तो आपको इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा टू बी पेड बाय सर्विस रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है जी, वी आर डन विद केस स्टडी नंबर 8. प्लीज रीड केस स्टडी नंबर 9. केस स्टडी नंबर 9 पढ़ो प्लीज. आई होप सारी चीजें क्लियर हैं आपको. टोटल हमारे पास 16 केस स्टडीज है जीएसटी में. तो इस वीडियो में हम सिर्फ जीएसटी वाली केस स्टडीज कवर करने वाले हैं. तो हमने आधा काम तो कर दिया, 16 में से 8 हमने फिनिश कर दिया, बाकी 8 बची है वो भी फिनिश करनी है. चलो जी, केस स्टडी नंबर 9 देखते हैं. लेट अस सी केस स्टडी नंबर 9. पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्केंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट्स एंड और यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री. फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्केंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्केंडाइज. फॉर इंस्टेंस, वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद परचेज ऑफ वन शर्ट. फॉर सेविंग कॉस्ट, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेजेस मर्केंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चर. इन द मंथ ऑफ मे, इन ऑर्डर टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड परचेस्ड अ टेम्पो ट्रैवलर वर्थ रुपीज 12 लाख विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% इंक्लूडिंग ड्राइवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय. फर्दर, फॉर इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉय, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड वॉलंटरली ऑब्टेन द हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 2 लाख फॉर ईच एम्प्लॉय इन दिस मंथ. इन द सेम मंथ, द प्रीमियम ऑफ रुपीज 1500 पर एम्प्लॉय हैज बीन पेड बाई द कंपनी फॉर 100 एम्प्लॉयज. In the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value of rupees 1 lakh. PTL Private Limited engaged Mr. Ram, an advocate, to represent it in court for an agreed consideration of rupees 25 lakhs. As per the terms of the contract, Mr. Ram issued an invoice on 5th July. However, consideration was not paid till 5th February next year. All the amounts given above are excluding taxes and all transactions are intrastate transaction. Rates of tax are CGST 9% and SGST 9%. However, for tempo traveler, the rates of taxes are CGST 14%, SGST 14%. In relation to the above, answer the following questions. With respect to buy one, get one free offer, which of the following statement is true? Dekho na likha hai. For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract consumers, PTL Private Limited launched scheme of buy one get one free for the same type of merchandise. For instance, one shirt to be given. For instance, one shirt to be given along with one shirt to be given along with purchase of one shirt. एक shirt के साथ एक और shirt. तो आपको ये पता है, buy one get one free में ना असल में कुछ free नहीं होता, बस हमें दो चीजें एक के पैसे के बदले दे दी जाती है. अब वहां पे क्या टैक्सेबिलिटी कहेगी, वो टैक्सेबिलिटी कहेगी यही कहेगी कि आपको चेक करना है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो है वो कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है. तो विद रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एट ऑल सिंस नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द आइटम्स. ये लाइन बिल्कुल गलत है. सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7, वाइल सप्लाई ऑफ द अदर आर्टिकल इज नॉट अ सप्लाई. ऐसा नहीं है, बिकॉज आपको ये नहीं है कि एक आर्टिकल पैसे के बदले मिल रहा है, एक फ्री में मिल रहा है. आपने पैसे एक के दिए, एक के पैसे में आपको दो मिल गए. सो इट इज अ सप्लाई ऑफ टू आइटम्स फॉर द प्राइस ऑफ वन. दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाइज वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई. सिंस अ सिंगल प्राइस इज चार्ज्ड, द सेम विल ऑलवेज बी टैक्स एज अ मिक्स सप्लाई. नहीं,
ये बिल्कुल ठीक आंसर है. दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई. देयर टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई. दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई. देयर टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई. तो फर्स्ट का डी. Next, eligible input tax credit for the month of May on the purchase of Tempo Traveler and on health insurance premium, assuming that all other conditions for availing ITC have been complied with. तो यार ये वाली information अब आपके लिए matter करती है. Second para वाली. This information is relevant for us. तो यार सबसे पहली चीज, आपने Tempo Traveler लिया है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 25 लोगों की है. यू हैव टेकन अ टेम्पो ट्रैवलर द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ विच इज 25 पर्संस इंक्लूडिंग द ड्राइवर. तो 13 लोगों से ज्यादा का, 13 लोगों की जो सिटिंग कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा की सिटिंग कैपेसिटी वाला जो मोटर व्हीकल होता है ना, उस पर आपको क्रेडिट मिल जाता है इफ इट इज यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो उन मोटर व्हीकल्स पे लगाई जाती है जिनकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग द ड्राइवर 13 लोगों तक की होती है. अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा की होती है तो आपको वहां पे क्रेडिट मिल जाता है इफ इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो ये 12 लाख का टेम्पो ट्रैवलर जो है इस पे जितना जीएसटी लग के आया होगा उसका आपको क्रेडिट मिलेगा. यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टेम्पो ट्रैवलर पे जो रेट ऑफ टैक्सेस है सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14, मतलब 28% जीएसटी है जिसमें से 14% सीजीएसटी है और 14% एसजीएसटी है. तो टेम्पो ट्रैवलर पे आपका 12 लाख इंटू 14% ये आपका आएगा 1,68,000. यही आपका सीजीएसटी होगा और यही आपका एसजीएसटी होगा. तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा. फर्दर फॉर इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉय पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड वॉलेंटरली ऑप्टेन द हेल्थ इंश्योरेंस कवर. तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था. हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, जो भी एम्प्लॉय के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसका क्रेडिट आपको तभी मिलता है इफ You have taken those services under a statutory obligation. Law में आपके लिए mandatory है वो लेना. अगर आप अपनी मर्जी से लेते हो employees के लिए कोई भी health insurance या life insurance कवर, तो वहाँ पे आपको GST का credit नहीं मिलेगा. तो यार tempo traveler पे तो 168 का credit मिलेगा लेकिन आपको बाकी services पे नहीं मिलेगा. The correct answer will be point number B. CGST 168, SGST 168 आपको टेम्पो ट्रैवलर पे मिलेगा और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ जुलाई मिस्टर राघव अ कस्टमर ऑफ द कंपनी फाइल्ड अ लॉ सूट इन द कोर्ट अगेंस्ट द कंपनी फॉर नॉट सप्लाइंग गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 लाख. ठीक है, तो हमने एक एडवोकेट हायर किया. अब यार एडवोकेट से अगर आप सर्विसेज लोगे तो आपको पता है एडवोकेट की सर्विसेज पे टैक्स आरसीएम में लगता है. तो एडवोकेट प्रोवाइड सर्विसेज टू पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड. सो ऑन दीज सर्विसेज पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड विल बी लाइबल टू पे रिवर्स चार्ज, विल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. इनवॉइस 5 जुलाई का आया हुआ है लेकिन कंसिडरेशन फरवरी में गई है. तो नीचे देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, एक तो ये पॉइंट है कि भाई टैक्स कौन देगा. जैसे यहां लिखा ना टैक्स, एक जगह पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड देगी, एक जगह एडवोकेट देगा, एक जगह पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड देगी, एक जगह एडवोकेट देगा. एक तो ये है और दूसरा यहां पे 180 दिन की बात की जा रही है कि क्योंकि 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं हुई है तो आपने जो आईटीसी लिया है वो आईटीसी रिवर्स कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. यार याद करो 180 दिन वाला पॉइंट वही लगता है जहां पे ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है. जहां पे ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है ना, वहां पे 180 दिन वाला पॉइंट नहीं लगता. जहां पे ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन, जहां पे ट्रांजैक्शन जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है ना, वहां पे आपका जो आरसीएम वाला पॉइंट है वो 180 दिन वाला पॉइंट है जहां वो नहीं लगता है. अगर मैं आईटीसी वाला चैप्टर खोलूं, यहाँ पे हमने हमारी बुक में भी ये बात क्लियरली लिखी हुई है बहुत स्पेसिफिकली, जो 180 दिन वाला लॉ है कि पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. पेमेंट टू बी मेड विद इन 180 डेज. द अबव स्टेटेड लॉ रिक्वायरिंग पेमेंट विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन. फर्स्ट, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. तो सीधी सी बात है, इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड को आरसीएम में पे करना है और टाइम, कोई टाइमलाइन
टाइमलाइन नहीं है पेमेंट करने के लिए एज सच. आपने जो क्रेडिट लिया क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज यहाँ पे ये 180 दिन वाला लॉ जो लॉ है वो 180 दिन वाले लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, CGST एंड SGST ऑफ ₹2,250 ईच ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड. देखो पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे इन्होंने टैक्स कहा है कि टैक्स मिस्टर राम देगा, मिस्टर राम इज द एडवोकेट द सर्विस प्रोवाइडर. तो पॉइंट नंबर टू और फोर तो बिल्कुल गलत है. पॉइंट नंबर ए और बी में से कोई एक पॉइंट सही होगा, तो कौन सा सही होगा? पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि जो आपने ITC लिया हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बिकॉज आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की. जहां ट्रांजैक्शन RCM में कवर होती है वहां 180 दिन वाली बात लगती नहीं है. तो इसलिए पॉइंट नंबर ए भी गलत है, इसलिए पॉइंट नंबर सी बिल्कुल ठीक है. CGST एंड SGST ऑफ ₹2,250 ईच ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेबल बाय PTL प्राइवेट लिमिटेड. द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अलॉन्ग विद टैक्स विद इन 180 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ इनवॉइस डज नॉट अप्लाई इन द गिवन केस. डन, वी आर डन विथ केस स्टडी 9 एज वेल. 7 मोर टू गो, जल्दी जल्दी करते हैं. केस स्टडी नंबर 10 देखिएगा प्लीज. केस स्टडी नंबर 10 हमें करनी है, देखते हैं भाई केस स्टडी नंबर 10 को. मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वॉज ₹12,50,000. ऑन 30th June हिज टर्नओवर एक्सीडेड ₹20 लाख एंड रीच टू ₹20,05,000. मिस्टर कुमार अप्लाइड फॉर GST रजिस्ट्रेशन एज रेगुलर टैक्स पेयर ऑन 15 July एंड रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड टू हिम ऑन 25 July. ठीक है जी. On 16 July, he entered into a contract for designing the flat of Mr. Shyam. The services were completed on 22nd July and Mr. Kumar issued invoice on the same day for ₹6 lakhs. On 5th July, Mr. Kumar purchased capital goods amounting to ₹4,50,000 and from 25th July to 31st July, he availed services amounting to ₹1,75,000 for completing the service. On 1st August, Mr. Kumar got another contract for interior designing from Mr. Ram, which he accepted on 2nd August. The service was completed on 6th August and invoice was issued on 7th August for ₹5 lakh. Payment was received on 29th August. All values are excluding taxes unless specifically mentioned. Mr. Kumar makes only intrastate outward supplies and all purchases are also intrastate. Rates of taxes are CGST 9%, SGST 99%. In relation to the above, answer the following question. First, the effective date of registration for Mr. Kumar is. यार देखो, इसका 30th जून को turnover 20 लाख क्रॉस करता है, 20 लाख से ज्यादा हो जाता है. So he has become liable for registration on 30th June. He is required to apply for registration within the next 30 days. He applies for registration on 15th July. So where a person applies for registration within 30 days of becoming liable for registration, आप effective date of registration लेके चलते हो वो date जिस दिन वो registration के लिए liable हो चुका था. So in the existing case, the person became liable for registration on 30th June. तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई जो है वो 15th जुलाई को कर दिया था. सिंस यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी 30th जून. दैट इज द डेट ऑन विच यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, अब बात आती है मिस्टर कुमार कैन इश्यू अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस स्टिल. तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या कहते हैं भाई, रिवाइज टैक्स इनवॉइस को इश्यू करने का कितना टाइम अलाउ किया हुआ है लॉ ने? लॉ ने आपको बोला हुआ है 1 month फ्रॉम द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. 25 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है तो 25 जुलाई से अगले एक महीने तक आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 25 जुलाई से अगला एक महीना, आंसर विल बी 25th August. ठीक है जी. एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज. तो देखते हैं यहां पे ITC की बात क्या है. ऑन 5th July, ऑन 16th July ही एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम. The service was completed on 22nd July and Mr. Kumar issued invoice on the same day for ₹6 lakh. तो ये जो information है, ये information तो आपके outward leg की है.
और ये इंफॉर्मेशन भी आपके आउटवर्ड लेग की है, जो पिंक कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके आउटवर्ड लेग की इंफॉर्मेशन है, और जो मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके इनवर्ड लेग की है। दिस रिलेट्स टू योर इनवर्ड लेग। ऑन 5 जुलाई मिस्टर कुमार परचेज कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4,50,000 फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई। ही अवेल्ड सर्विसेज अमाउंटिंग टू रुपीज 1,75,000 फॉर कंप्लीटिंग दिस सर्विस। तो यार सीधी सी बात है, कैपिटल गुड्स और आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो इनवर्ड लेग पे, बिकॉज आपको सर्विसेज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इनवर्ड इनवर्ड लेग पे यू आर प्रोक्योरिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन योर आउटवर्ड लेग। तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा? 4.5 लाख प्लस 1.75 लाख्स। 4.5 लाख प्लस 1.75 लाख्स, तो कुल मिला के ये आपका अमाउंट आएगा 4.5 लाख्स प्लस 1.75 लाख्स। ये जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट आएगा 6.25 लाख्स। ये जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 6.25 लाख्स। सो 6.25 लाख्स इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। 6,25,000 का 9% कम्स आउट टू रुपीज 56,250। तो आप CGST 56,250 और SGST 56,250, इतना क्रेडिट आप ले सकते हो। 56,250 CGST का क्रेडिट और SGST का 56,250 का आप क्रेडिट ले सकते हो। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम इज। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम, मतलब सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो यार सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जो है, ये जो आपकी डेट है, दिस डेट इज 6 अगस्त। आपका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस कब आ रहा है? आपका इनवॉइस आ रहा है 7 अगस्त को, और आपकी पेमेंट कब हो रही है? डेट ऑफ पेमेंट इज 29 अगस्त। तो यार सीधी सी चीज है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो ट्रांजैक्शन एफसीएम में कवर होती है, जनरल ट्रांजैक्शन है एफसीएम में कवर्ड है। आप यहाँ पे लॉ लगाओगे सेक्शन 13(2) का। 13(2) कहता है आप चेक करो आपका इनवॉइस टाइम पे आया है या नहीं आया है। इनवॉइस सर्विसेज के केस में इनवॉइस इश्यू करने के लिए कितना टाइम हमें अवेलेबल होता है? हमें टाइम अवेलेबल होता है 30 डेज। सो इफ द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इफ द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सो योर टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे आपका इनवॉइस टाइम पे है, तो इन दोनों में से जो अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। So your time of supply in this case will be 7th August. Next, if instead of opting for regular scheme, Mr. Kumar opts to pay tax under Section 10(2)A of the CGST Act, the tax liability for the month of July, जुलाई के मंथ की बात पूछी है। तो यार देखो दो ट्रांजैक्शन है, एक ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है मिस्टर श्याम के साथ फ्लैट की डिजाइनिंग की, वो 22 जुलाई को कंप्लीट हो गई थी, सेम डे पे इनवॉइस आ गया था। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो जुलाई की ट्रांजैक्शन है, और जो सेकंड पिंक वाली ट्रांजैक्शन है वो अगस्त की ट्रांजैक्शन है। तो अगर आपको आप सेक्शन 10(2)A ऑप्ट करते तो आपकी जुलाई के लिए क्या लाइबिलिटी होती? 10(2)A जो है वो अपना कॉम्पोजिशन स्कीम होता है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जहां पे आपको पता है 10(2)A में आपको 3% CGST एंड 3% SGST देना होता है। वैसे मैं बात बताऊं टेक्निकली ना थोड़ी सी ये चीज गलत है, बिकॉज अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में होता हूँ ना तो मैं अपनी जो टैक्स पेमेंट्स है ना वो टैक्स पेमेंट मंथली नहीं करता, मैं टैक्स पेमेंट अपनी क्वार्टरली बेसिस पे करता हूँ क्वार्टर खत्म होने के बाद। बट अब इन्होंने मंथ ऑफ जुलाई बोला तो मैं क्वेश्चन की वैलिडिटी को तो चैलेंज करूंगा नहीं, क्वेश्चन में तो गलती निकालूंगा नहीं। तो यार 3% CGST एंड 3% SGST जो लिखा है वो 3% SGST आपको निकालना है। जुलाई वाली ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है? जुलाई वाली ट्रांजेक्शन की वैल्यू 6 लाख्स है, तो 6 लाख्स का 3% 18,000 CGST एंड 18,000 जो है वो आपका SGST है। डन। सो वी आर डन विद केस स्टडी 10। 10 डन, 6 टू गो। केस स्टडी नंबर 11 देखो। तो चलो करते हैं भाई केस स्टडी 11 डिस्कस करते हैं। केस स्टडी 11, मिस्टर नेहा इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शी हैज रजिस्टर्ड अंडर GST
and has opted to pay tax under composition scheme for service provider under section 10(2)(a) of the GST Act. तो भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है एंड हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द जीएसटी एक्ट. द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून वाज रुपीस 12 लाख. ड्यूरिंग जुलाई शी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीस 50 लाख एंड ऑप्टेड आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. शी ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन जुलाई. She supplied an order to Breathwell LLP on X factory basis, the details of which are as follows. Base price of the product 53,000, outward freight rupees 12,000, packing charges 5,000, discount given on receiving payment rupees 2,000, not included in invoice. For supplies provided to Breathwell LLP, she received half of the amount in advance on 22nd July. The goods were dispatched from her factory on 25th July and delivered on 28th July. She raised the invoice on 30th July and the balance payment was also received on the same date. Mr. Neha received 25 invoices from various suppliers involving GST of rupees 1.5 lakhs for the month of July. While filing GSTR 3B for the said month on 20th August, she found that only 20 invoices involving GST of rupees 1 lakh were uploaded by the suppliers. Ms. Neha supplied goods to the following person. Mr. Pawan, an unregistered person, 150 rupees is the value of supply. Mr. Umesh, a registered person, rupees 110 is the value of supply. Rains Trust, an unregistered entity, rupees 250 is the value of supply. None of the above persons require a tax invoice. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interested unless otherwise specified. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. From the information provided above, choose the most appropriate answer for the following question. So first point is compute the tax liability for the quarter ending June under CGST and SGST. So yeah, the turnover for the quarter ending June was rupees 12 lakhs and aap section 10(2)(a) mein tax pay kar rahe ho to 10(2)(a) mein jo aapki tax liability aati hai wo 6% ke hisab se aati hai. तो 12 लाख इंटू 3% 36,000 का आपको सीजीएसटी देना है और इतने का ही आपको एसजीएसटी देना है. सो द करेक्ट आंसर इज कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो आंसर विल बी रुपीज 36,000 ईच. नेक्स्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय मेसर्स नेहा टू ब्रेथवॉल एलएलपी. तो यार ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मैटर करती है सारी. She supplied an order to Breathwell LLP on X factory basis. X factory basis का मतलब क्या होता है? The supply takes place at factory gate. इसका मतलब क्या होता है? The transfer of property takes place when the goods are removed from the factory. Factory gate पे property pass on होती है. X factory basis का मतलब है supply takes place at the time of removal of goods from the factory. Supply takes place at the time of removal of goods from the factory. इसे आप X factory बोलते हो. इसका मतलब गुड्स की जो ओनरशिप है वो फैक्ट्री के गेट पे हो चुकी है. रास्ते के अंदर कोई भी नुकसान होता है तो नुकसान की अब जिम्मेवारी सप्लायर की नहीं है, नुकसान की जिम्मेवारी रेसिपिएंट की है. तो बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 53,000, आउटवर्ड फ्रेट 12,000. आउटवर्ड फ्रेट मतलब सप्लायर से रेसिपिएंट के यहां तक जो सामान जा रहा है उसका फ्रेट. तो बिकॉज द सप्लाई टेक्स प्लेस ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, बिकॉज द ओनरशिप पासेस एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, द आउटवर्ड फ्रेट विल नॉट बी इंक्लूड इन द वैल्यू. बिकॉज हम कहते हैं सप्लाई के टाइम पे और सप्लाई से पहले तक के खर्चे आपको इंक्लूड करने हैं, सप्लाई के बाद के खर्चे आपको इंक्लूड नहीं करने हैं. तो आउटवर्ड फ्रेट तो सप्लाई के बाद वाला खर्चा है, बिकॉज सप्लाई उसी टाइम पे हो जाती है जब गुड्स फैक्ट्री से निकल गए हैं, फैक्ट्री गेट पे ओनरशिप पास ऑन हो जाती है. पैकिंग चार्जेस ये इंक्लूड होंगे. डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट रुपीज 2,000. ये 2,000 रुपए माइनस हो सकते थे अगर आपने इनवॉइस पे दिखा दिए होते, बट क्योंकि आपने ये इनवॉइस पे नहीं शो किए हैं तो ये माइनस नहीं होंगे. आउटवर्ड फ्रेट इसलिए नहीं होगा बिकॉज द सप्लाई इज टेकिंग प्लेस ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, और डिस्काउंट इसलिए माइनस नहीं होगा बिकॉज ये इनवॉइस पे शो नहीं हुआ है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 53,000 प्लस 5,000, टोटल मिला के आपका आ जाएगा 58,000. So the value of supply is rupees 58,000. Compute the value of supply made by Ms. Neha to Breathwell LLP, rupees 58,000. Next,
Determine the amount of ITC that can be claimed by Miss Neha for the month of July. है क्या? टोटल आपके 25 इनवॉइसेस हैं, जिसमें से जिन पे जीएसटी है 1.5 लाख का. सप्लाई आपके जो सप्लायर्स हैं उन्होंने 20 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, जीएसटी 1 लाख का. यहां पे लगेगा रूल 36(4). रूल 36(4) क्या कहते हैं? जितने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए उनका तो आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा, और जो इनवॉइसेस आपने अपलोड नहीं किए, जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए उनके इन रिस्पेक्ट में आपको 5% ऑफ आईटीसी ऑन द इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन अपलोडेड वो मिलेगा. पहले ना ये 10% था, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनवॉइसेस अपलोडेड. लेकिन आपने भी अमेंडमेंट क्लास भी देखी हो तो ये जो 10% है ना, ये 10% अभी रिसेंटली 5% पे ड्रॉप हुआ है. ये जो 10% है, ये 10% जो है वो 5% पे ड्रॉप हुआ है. तो ये आपका आंसर आएगा 1 लाख प्लस 5% ऑफ 1 लाख, दिस विल कम आउट टू रुपीज 1,05,000. एक्चुअली में ना ये जो आप मटेरियल सामने देख रहे हो, जो आपके पास एमसीक्यू बुकलेट है, दिस वॉज कॉमन फॉर May 21 एंड November 21 अटेम्प्ट. तो इसमें ना 1,10,000 आंसर टिक किया हुआ है. यहाँ पे 1,05,000 का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे 1,10,000 को राइट आंसर बोला हुआ है. ये 1,10,000 वुड हैव बीन द राइट आंसर फॉर May 21 अटेम्प्ट, जो एक्चुअली में जुलाई में हुआ था. ये May 21 के हिसाब से तो ठीक है, बट 1,10,000 इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर November 21 अटेम्प्ट. फॉर November 21 अटेम्प्ट जो दिसंबर में होने वाला है, बेसिकली वो December 21 अटेम्प्ट जो है उसके लिए द करेक्ट आंसर विल बी रुपीज 1,05,000, इट वॉन्ट बी रुपीज 1,10,000. प्लीज ये चीज देख लीजिएगा. द करेक्ट आंसर फॉर पॉइंट नंबर 3 विल बी रुपीज 1,05,000, बिकॉज जो लिमिट है वो 5% हो गई है, पहले 10% थी. तो ये बुक मई और नवंबर के लिए कॉमन थी, तो इसीलिए इसमें 10% वाली रेट थी. जो बाद में चेंज आया वो इसके आंसर में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. तो दिस विल बी रुपीज 1,05,000. नेक्स्ट, डिटर्मिन द टाइम ऑफ सप्लाई मेड टू ब्रेथवॉल LLP. ठीक है जी, क्या ट्रांजेक्शन है? फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू ब्रेथवॉल LLP, आपको इसके बेसिस पे आंसर देना है सारा. इस इंफॉर्मेशन पे फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू ब्रेथवॉल LLP, शी रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन एडवांस ऑन 22nd जुलाई. द गुड्स वर डिस्पैच फ्रॉम हर फैक्ट्री ऑन 25th जुलाई एंड डिलीवर्ड ऑन 28th जुलाई. शी रेज्ड द इनवॉइस ऑन 30th जुलाई एंड द बैलेंस पेमेंट वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन द सेम डेट. भाई गुड्स के केस में सेक्शन 12(2) लगता है. 12(2) कहता है मेरे को डेट ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं है. अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, टाइम ऑफ सप्लाई इज द लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. टाइम ऑफ सप्लाई शुड बी द लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, अगर आपका इनवॉइस टाइम पे नहीं आया है. अब इनवॉइस कब आना चाहिए? जिस टाइम पे गुड्स को फैक्ट्री से डिस्पैच किया जाता है उस टाइम पे इनवॉइस आना चाहिए. तो आपके गुड्स जो हैं वो फैक्ट्री से 25 जुलाई को डिस्पैच किए गए हैं. आपके जो गुड्स हैं वो गुड्स 25 जुलाई को फैक्ट्री से डिस्पैच किए गए हैं और आपका इनवॉइस 30 जुलाई को आया है. द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री ऑन 25th जुलाई एंड द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड ऑन 30th जुलाई. तो आपका इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, आपका इनवॉइस लेट है. जब आपका इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ है, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, व्हिच इन दिस केस इज 25th जुलाई. यहाँ पे आपका आंसर आएगा, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई मेड टू ब्रेथवॉल LLP, आंसर विल बी 25th जुलाई. नेक्स्ट, मिस नेहा नीड नॉट इशू इनवॉइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस. तो मतलब ये वाला जो लास्ट पार्ट है इट इज लिंक्ड टू दिस, इस इंफॉर्मेशन से लिंक्ड है. तो यार आपने पढ़ा हुआ है, तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपको ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 1, जो आपका रेसिपियंट है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम होनी चाहिए और रेसिपियंट को टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए. तीन सिचुएशन फुलफिल होती है तो उस केस के अंदर आपको ना आपको अपना इनवॉइस इशू टैक्स इनवॉइस सेपरेटली इशू करने की जरूरत नहीं है. यू कैन इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस फॉर ऑल सच सप्लाइज एट द एंड ऑफ द डे. तो वो तीन कंडीशंस कौन सी है? नंबर 1, आपका जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए. नंबर 2, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी लेस देन 200 एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर द टैक्स इनवॉइस. तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. तो मिस्टर पवन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन 150, यहां तो चलो इनवॉइस नहीं आएगा तब भी काम चल जाएगा. तो मेरे क्राइटेरिया में ये क्वालिफाई करता है. नेक्स्ट, मिस्टर उमेश अ रजिस्टर्ड पर्सन रुपीज 110. तो भाई यहाँ तो इनवॉइस आपको देना पड़ेगा. ऑल दो वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, बट पर्सन कैसा पर्सन है? रजिस्टर्ड पर्सन है. ऑल दो जो आपका
ऑल्दो वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, लेकिन जो आपका रेसिपियंट अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है, तो आपको इनवॉइस इसका सेपरेटली देना पड़ेगा। रेंट ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी ₹250, यहाँ पे भी आपको इनवॉइस देना पड़ेगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज मोर देन ₹200। तो खाली पवन वाले पॉइंट में आप इनवॉइस इश्यू नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। मिस नेहा नीड नॉट इश्यू इनवॉइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, आंसर इज ए पवन। डन। सो वी आर डन विथ आर 11th केस स्टडी ऑल्सो। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 12। देखो केस स्टडी नंबर 12, पूर्वा लॉजिस्टिक्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टैक्सेबल एट 5% टू द फॉलोइंग पर्सन। जीएटीए जब 5% पे टैक्स पे करता है तो आरसीएम लग सकता है अगर रेसिपियंट स्पेसिफाइड रेसिपियंट में से कोई है। फर्स्ट कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, मिस्टर अमर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एंड स्मॉल ट्रेडर्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पूर्वा लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेड द फॉलोइंग, डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर। पूर्वा लॉजिस्टिक्स ऑप्टेड टू चार्ज जीएसटी एट 12% फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन्होंने जीएसटी 12% पे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आरसीएम का लॉ नहीं लगेगा बिकॉज आरसीएम का लॉ वहीं पे लगता है जहां पे जीएसटी 5% का जीटीए ऑप्ट करता है। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू बामा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर एंड इश्यूड एन इनवॉइस डेटेड 5 नवंबर। पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 6 नवंबर। इट प्रोवाइडेड बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सर्विस टू वेरियस रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्सन। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर लाइबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीटीए सर्विसेज टैक्सेबल एट 5% प्रोवाइडेड बाई पूर्वा लॉजिस्टिक्स। तो मतलब ये स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से किस केस में आरसीएम लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर एक जीटीए 5% टैक्स को ऑप्ट करती है और पार्टनरशिप फर्म को अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वहां पे आरसीएम लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेटेड है, प्रॉपरली फॉर्मली रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ तो आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट, मिस्टर अमर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बिकॉज मिस्टर अमर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो इस ट्रांजैक्शन पे फिर आरसीएम नहीं लगेगा, इस ट्रांजैक्शन पे एफसीएम लगेगा। नेक्स्ट, स्मॉल ट्रेडर्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो सोसाइटी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या नॉर्मल सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो यहाँ पे आपका आरसीएम लगेगा। तो आपका कुणाल ट्रेडर और स्मॉल ट्रेडर्स के केस में आरसीएम लगेगा। सो कुणाल ट्रेडर्स फर्स्ट पे आरसीएम लगेगा, स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे आरसीएम लगेगा। योर आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पूर्वा लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेड द फॉलोइंग, तो इस रिस्पेक्ट में क्या है? आउट ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सो यार, पूर्वा लॉजिस्टिक्स जो है ना वो एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो होती है उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? रोड, रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं वो। अगर आप जीटीए के थ्रू रोड से डिफेंस इक्विपमेंट भिजवाते हो, ये एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, रेलवे इक्विपमेंट भिजवाते हो, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल बाय रोड, टैक्सेबल बाय रोड, एग्जेम्प्ट बाय रेल और वेसल। अगर रेलवे इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के थ्रू या वेसल के थ्रू होता है तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर रेलवे इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन रोड्स के थ्रू होता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे जीटीए है, जीटीए तो रोड से ट्रांसपोर्टेशन करेगी तो ये टैक्सेबल होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर ये एग्जेम्प्ट होता है। तो यार, डिफेंस इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट, रेलवे इक्विपमेंट बाय पूर्वा लॉजिस्टिक्स विल बी टैक्सेबल बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रोड से हो रहा है, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट। तो आप में फर्स्ट और थर्ड एग्जेम्प्ट है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक्स टू बामा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर पूर्वा लॉजिस्टिक्स बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो उसका क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा?
तो यार पूर्वा लॉजिस्टिक्स ना 12% जीएसटी चार्ज करने लग जाती है फ्रॉम अक्टूबर. इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर. तो यार जब 12% पे आप जीएसटी चार्ज करने लग जाते हो ना, तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगता, ये ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है. और जब ये ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है, तो यहाँ पे जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13(2) के हिसाब से निकलेगा. सेक्शन 13(2) कहता है इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर. इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ पे आपकी सर्विसेज 1 अक्टूबर को प्रोवाइड हुई हैं, लेकिन इनवॉइस आपका 5 नवंबर को आ गया. दैट मींस द इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज. सो आपका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है आपके पास 1 अक्टूबर और डेट ऑफ पेमेंट आपके पास है 6 नवंबर. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस आपके पास है 1 अक्टूबर और डेट ऑफ पेमेंट आपके पास है 6 नवंबर. सो योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 6 नवंबर ए सॉरी योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1 अक्टूबर डी, विच एवर इज अर्लियर. तो 1 अक्टूबर. नेक्स्ट, Which of the following statement is correct in respect of services provided by Purva Logistics to Bama Steels Private Limited? तो यार इस ट्रांजैक्शन पे FCM है या RCM है, तो मैंने आपको बता ही दिया है. इस ट्रांजैक्शन पे क्या है, इस ट्रांजैक्शन पे आपके पास FCM है, RCM नहीं है. तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, पूर्वा लॉजिस्टिक्स. जब इस ट्रांजैक्शन पे FCM है, तो FCM वाली ट्रांजैक्शन जो होती है वहां पे सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पे करते हैं. सो पूर्वा लॉजिस्टिक्स शैल बी लाइबल टू पे जीएसटी. Next, in respect of which of the following supplies Purva Logistics has to provide invoice-wise details in GSTR1? In respect of which of these following supplies Purva Logistics has to provide invoice-wise details in GSTR1? याद करो, अगर आपका आपका recipient registered है, तो चाहे transaction की कितनी भी value है, आपको हर transaction की invoice-wise details GSTR1 में डालनी पड़ेगी. अगर आपका customer unregistered है, तो आप ट्रांजैक्शंस जो है वो इनवॉइस वाइज ना देके कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिपोर्ट कर सकते हो. लेकिन वहां पे भी अगर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है और वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे आप इंडिविजुअली आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी पड़ेगी. देखो, अगर आपका जो रेसिपियंट है वो रेसिपियंट रजिस्टर्ड है, इफ योर रेसिपियंट इज रजिस्टर्ड, तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होती है, चाहे सप्लाई इंट्रास्टेट है, चाहे इंटरस्टेट है, चाहे वैल्यू 2.5 लाख से कम है, चाहे 2.5 लाख से ज्यादा है. जहां पे आपका रेसिपियंट अनरजिस्टर्ड है, वहां पे इनवॉइस वाइज देने की जरूरत नहीं है, वहां पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे चल जाएगा. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और साथ के साथ जो आपकी वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए. तो देखो, इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹2.5 लाख. यहां पे तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी बिकॉज आपका पर्सन रजिस्टर्ड है. नेक्स्ट, इंटरस्टेट सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹2,50,000. तो यार यहां पे आप मत करो, इनवॉइस वाइज चल जाएगा. इंटरस्टेट सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख. तो जो मैंने एक्सेप्शन लिखी है वो आ गई, इंटरस्टेट है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो ये भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी. फोर्थ पॉइंट, इंट्रास्टेट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन. यहाँ पे आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी. तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी. द करेक्ट आंसर विल बी डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सो वी आर डन विद आवर केस स्टडी 12 ऑल्सो, केस स्टडी नंबर 12. नाउ मूविंग ऑन, केस स्टडी नंबर 13. देखो भाई, केस स्टडी नंबर 13 देखो. देखते हैं केस स्टडी नंबर 13. केस स्टडी नंबर 13, वेदांशी एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड सिंस 1 अप्रैल. द फर्म बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 अक्टूबर.
However, it applied for registration on 10th October. It had inputs held in stock, semi-finished and finished goods. The firm was granted certificate of registration on 5th November. Vedanshi and company needs to transport one consignment to the transporter and then to the consignee. The distance between godown of the firm and the transporter is 20 kilometers and from the place of transporter to consignee is 99 kilometers. In the month of November, the firm received 80 invoices for various inward supplies on which total GST paid was rupees 8 lakh. However, only 60 invoices involving GST of rupees 7.5 lakhs was uploaded in GSTR1 by the respective suppliers. Also, while filing return for the month of November, the firm generated e-challan on 5th December for making payment of GST through RTGS of their bank. All the supply referred above is intrastate unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. From the information provided above, choose the most appropriate answer for the following question. First, determine the effective date of registration of Vedanshi and company. Aap 1 October ko registration ke liye liable hue, aapne 10th October ko application de di. Where a person applies for registration within 10 days of becoming liable for registration. तो वहाँ पे आपका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 30 डेज होता है, आपने तो 10 दिन के अंदर अंदर ही कर दी. तो जहाँ पे आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर कर देते हो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई, द टाइम पीरियड अलाउड इज 30 डेज, यहाँ पे तो 10 दिन में ही हो गई है. तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ऑन विच यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, विच इन दिस केस विल बी 1st October. नेक्स्ट, Vedanshi and company is eligible to claim ITC in respect of inputs held in stock as on. आप जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए हो उससे एक दिन पहले का मैं स्टॉक देखूंगा उस पर आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होते हो. याद करो सेक्शन 18 स्पेशल केसेस, जहां पे आप जिस दिन से जीएसटी में रजिस्टर हो गए उससे एक दिन पहले तक का जो भी आपके पास सामान रखा है उस पर आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो. तो 1 अक्टूबर को आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए हो तो 30th सितंबर को जो आपके पास सामान रखा है उसका आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो. Next, which of the following statement is true in respect of furnishing of details of conveyance in part B of e-way bill? Bhai, ek cheez dekhna yaar. Consigner jo Vedanshi khud hai. Transporter. And aage consignee. Yahan ka distance 20 kilometer hai. यहाँ का डिस्टेंस 99 किलोमीटर है. याद करो हमने पढ़ा हुआ है, अगर कंसाइनर की प्रमाइसेस से ट्रांसपोर्टर की प्रमाइसेस तक का जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, यहाँ पे आपको पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल पार्ट बी ओवर हियर. और अगर ट्रांसपोर्टर के यहां से कंसाइनी तक का डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, आपको पार्ट बी में डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. डिटेल्स इन पार्ट बी ऑफ ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड. डिटेल्स इन पार्ट बी ऑफ ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रमाइसेस ऑफ द कंसाइनर टू द ट्रांसपोर्टर्स प्रमाइसेस इज विद इन 50 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर्स प्रमाइसेस टू द कंसाइनी इज विद इन 50 किलोमीटर्स. तो यार यहाँ पे कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर वाला जो लेग है वहां पे डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो आपको इस पर्टिकुलर लेग के लिए पार्ट बी की डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. लेकिन ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी वाला जो पार्ट है डिस्टेंस है क्योंकि वो 50 किलोमीटर से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका पार्ट बी आएगा. यहाँ पे आपका पार्ट बी में इंफॉर्मेशन आएगी. सो इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, it says part b need not be filed in respect of transport of consignment from godown to transporter's location. ye cheez to theek lagti hai. part b need not be filed in respect of transport of consignment from transporter's location to consignee's location. ye baat galat hai kyunki ye distance 50 km se zyada hai. next, information in part b is neither required in transport of consignment from godown to kehte hai dono ke liye nahi chahiye. ye baat bhi baat galat hai. information in part b is mandatory in respect of consignment from godown to transporter's location and from transporter's location to consignee's location. कहते दोनों के लिए मैंडेटरी नहीं, बिकॉज एक पर्टिकुलर लेग में कि 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है जो गोडाउन से ट्रांसपोर्टर के यहां तक सामान जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर लेग के लिए मेरे को पार्ट बी में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. तो योर आंसर विल बी ए. आगे, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय Vedanshi एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. ये इंफॉर्मेशन मैटर करती है मेरे लिए. आपके टोटल 80 इनवॉइसेस थे जिनपे आपका जीएसटी था 8 लाख्स. 60 इनवॉइसेस 7.5 लाख के अपलोड हुए, 20 इनवॉइसेस 50,000 के अपलोड नहीं हुए. आपके टोटल इनवॉइसेस थे 80 इनवॉइसेस जिनपे जीएसटी 8 लाख था,
आपके 60 इनवॉइसेस 7.5 लाख के अपलोड हुए, आपके 20 इनवॉइसेस 50,000 के अपलोड नहीं हुए। तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, वो 10% के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे भी एक क्वेश्चन पहले आया था उसमें भी मैंने बात बताई, इसमें बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो इस परस्पेक्टिव से दिया हुआ है कि भाई 7.5 लाख जो इनवॉइसेस अपलोड हो गए उनका ITC प्लस 10% ऑफ वो ITC ऑन इनवॉइसेस विच हैव बीन अपलोडेड। जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए उनके लिए कितना क्रेडिट मिल पाएगा, 10% ऑफ द ITC एलिजिबल ऑन द इनवॉइसेस विच हैव बीन अपलोडेड। तो यहाँ 10% ऑफ 7.5 लाख, तो ये 7.5 लाख प्लस 75,000 है। बट इन इनवॉइसेस पे GST था ही कितना, इन पे GST था ही 50, तो 7.5 लाख प्लस 50 के हिसाब से ये 8 लाख दिया हुआ आंसर। तो दिस आंसर वुड हैव बीन करेक्ट फॉर May 21 अटेम्प्ट, बट दिस आंसर इज नॉट करेक्ट फॉर अपकमिंग December अटेम्प्ट। वाई? बिकॉज अब जो ये 10% है ना, वो 10% की रेट चेंज हो गई है, और वो 10% की रेट हो गई है 5%। तो 7.5 लाख प्लस 5% ऑफ 7.5 लाख, तो ये 7.5 लाख प्लस 37,500, ये आपके पास आएगा 7,87,500। तो ये इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। करेक्ट आंसर नाउ, करेक्ट आंसर फॉर अपकमिंग December 21 अटेम्प्ट इज Next, determine the validity of each challan generated by Vedanshi and company for payment of taxes for the month of November. तो यार आपको पता ही है, ऑनलाइन जो हम चलान जनरेट करते हैं पेमेंट के लिए वो अगले 15 डेज तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पे चलान 5 दिसंबर को ऑनलाइन जनरेट किया गया है, तो ये चलान कब तक वैलिड रहेगा, 20 दिसंबर तक वैलिड रहेगा, 20th December। डन, वी आर डन विद आवर केस स्टडी 13 ऑल्सो। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विथ 3 केस स्टडीज, जल्दी से वो भी फिनिश करते हैं। फिर पढ़ो भाई केस स्टडी 14 पढ़ो, प्लीज रीड केस स्टडी 14। केस स्टडी 14 अब देखनी है। केस स्टडी 14 इज ऑन बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए आपने जो एग्जेम्पशंस पढ़ी हुई हैं वो भी यहां पे लगेंगी। देखते हैं भाई केस स्टडी 14 देखते हैं। मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड अ स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर। मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड अ स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर। द बैंक गॉट रजिस्टर्ड अंडर GST इमीडिएटली ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन एज अ बैंकिंग कंपनी। मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड रिसीव्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। No amount was charged by the head office for the said service. Value of the said service was ₹410,000. Messrs. Safe Bank Limited provided one high-end laptop worth ₹50,000 to its new managing director as a gift for discharge of his duties. Initially, the bank opened 125 branches across India covering various states. In order to secure business, the bank appointed Quick Loan Providers LLP, a direct selling agent on pan-India basis. The bank was in need of services of recovery agent for various retail and personal loans guaranteed by its branches. For this purpose, the bank appointed Fast Recovery Services Private Limited, a recovery agent on pan-India basis. Messrs. Safe Bank Limited provided the following details for the month of May. Interest received on term loan, interest received on credit card transaction, interest received on FD held with SBI Mumbai, commission received on letter of credit issued, documentation charges collected from borrowers, sale of foreign exchange to authorized dealers of Bank of Rajasthan. Messrs. Safe Bank Limited had opted for optional method under Section 17(4) of CGST Act. सेक्शन 17(4) में देखो, जहां पे बैंक की कुछ ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्टेड होती हैं, बैंक के कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टैक्सेबल होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है जहां पे भी हम गुड्स सर्विसेज यूज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को अगर हम यूज करते हैं पार्टली फॉर टैक्सेबल पर्पसेज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट पर्पसेज, जहां पे भी हम गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं पार्टली फॉर टैक्सेबल पर्पसेज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पसेज, जितना प्रोपोर्शनेटली हमने उसे टैक्सेबल पर्पसेज के लिए यूज किया है उतना ही हमें क्रेडिट मिलता है। लेकिन बैंक्स के पास एक ऑप्शनल तरीका होता है सेक्शन 17(4) में। वो ऑप्शनल तरीका क्या होता है कि जितना उनका टोटल ITC है, एलिजिबल ITC है, उसका 50% उनको मिलेगा, प्लस उनको जो अपने और बैंकों से डिस्टिंक्ट NTC ने उन्होंने कोई भी सर्विसेज ली हैं उस पे जो क्रेडिट बनता है वो भी वो ले सकते हैं। So, Messrs. Safe Bank Limited had opted for optional method under Section 17(4) of CGST Act for claiming input tax credit in respect of its operation.
For the month of May, the relevant details are as follows. GST paid on eligible input services 12 lakhs. GST paid on eligible capital goods 6 lakhs. GST paid on items whose credit is blocked under Section 17(5) of CGST Act 4 lakh. GST paid on services availed from within the bank having distinct registration rupees 2 lakh. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplier effort above is interested unless specified otherwise. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. First, determine the value of deemed supply in the case study given above. Matlab ye wali information. Bhai seedhi si baat hai. Safe Bank Limited ka jo head office hai na, वो इसके लिए रिलेटेड पार्टी है. सेफ बैंक लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो इसके लिए रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पर्सन है. और रिलेटेड पर्सन के साथ जो आपने ट्रांजैक्शन एंटर की है उसे हम हमेशा सप्लाई बोलते हैं, चाहे उसमें कंसिडरेशन है चाहे उसमें कंसिडरेशन नहीं है. शेड्यूल वन जो है एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड एज सप्लाई, वहां पे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज. और हम ये भी बोलते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज जो मैसेज सेफ बैंक लिमिटेड ने हेड ऑफिस यूके हेड ऑफिस से फ्री में रिसीव की है वो सप्लाई मानी जाएगी. तो 4,10,000 रुपये जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है. 50,000 रुपए का जो लैपटॉप का गिफ्ट है वो सप्लाई नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो गिफ्ट का अमाउंट है वो 50,000 के अंदर अंदर है. तो यहाँ पे जो आपके आ रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डीम्ड सप्लाई इन द केस स्टडी गिवन अबव, द आंसर विल बी रुपीज 4,10,000. नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज अवेल्ड बाय मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड द बैंक शैल पे टैक्स एंड रिवर्स चार्ज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. देखो यार, एक है क्विक लोन प्रोवाइडर्स LLP. एक तो इन्होंने सर्विस दी है, और सर्विस का नेचर क्या है? सर्विस का नेचर है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज. और एक है फास्ट रिकवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनकी रिकवरी सर्विसेज है, रिकवरी सर्विसेज इनकी सर्विसेज है, रिकवरी सर्विसेज. तो आप एक चीज देखिएगा, क्विक लोन प्रोवाइडर्स LLP डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है. डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंक या NBFC को सर्विस देता है उस पर RCM तभी लगता है जब सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल है. मैं अगर आपको इसके कंटेक्स्ट का जो लॉ है वो लॉ अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और LLP फॉर्म टू बैंक और NBFC. द सप्लायर द सर्विस प्रोवाइडर शुड बी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और LLP फॉर्म. द सर्विस रेसिपियंट शुड बी अ बैंकिंग कंपनी और अ NBFC लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. मैंने जो भी आपके साथ एग्जाम्पल ये केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का वो एक इंडिविजुअल नहीं है, एक LLP है. तो इस ट्रांजेक्शन पे तो ना RCM लगेगा नहीं, इस पे तो FCM लगेगा, यहाँ तो FCM लगेगा. और जो रिकवरी सर्विसेज है, रिकवरी सर्विसेज के लिए जो नेचर ऑफ जो रिकवरी सर्विसेज है उस रिकवरी सर्विसेज के लिए जो एजेंट है वो कोई भी रिकवरी एजेंट हो सकता है. सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC, रिकवरी एजेंट कैन बी एनी पर्सन. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए या सिर्फ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, कोई भी चलेगा. तो जो ये वाली ट्रांजेक्शन है ये फिर आपकी RCM में कवर हो जाएगी. So in respect of services availed by Messrs. Safe Bank Limited, the bank shall pay tax and a reverse charge for which of the following services? Answer is services availed from Fast Recovery Services Private Limited. Next, compute the value of exempt supply provided by Messrs. Safe Bank Limited for the month of May. Compute the value of taxable supply made by Messrs. Safe Bank Limited for the month of May. So in third or fourth ka dono ka answer jo hai wo is particular point se niklega. To bank ke case mein humne kya padha hua hai? बैंक अगर किसी को भी कोई भी अगर बैंक से अगर आप कोई आपने कोई भी इंटरेस्ट इनकम कमाई है, आप कहते हो बैंक की कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, वे कहते हैं एक्सटेंडिंग लोन्स और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट. लोन्स एडवांसेस देना इन सो फार एज इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स लगता है. नेक्स्ट, किसी भी तरह के कोई भी सर्विस चार्जेस है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, उन चार्जेस पे टैक्स लगता है.
नेक्स्ट, इसके अलावा आपने भी पढ़ा है कि एक बैंक या एक ऑथराइज डीलर आपस में एक दूसरे को अगर फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं वो एग्जेम्प्ट है, अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन की ट्रांजैक्शन जो है वो एंड कस्टमर के साथ की है और वहां पे कमीशन चार्ज हुई है तो उस कमीशन पे तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन दो बैंक के बीच में है, दो ऑथराइज डीलर्स के बीच में है, या एक बैंक और ऑथराइज डीलर के बीच में, उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपने मेरे साथ फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन ये एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट हेल्ड विद एसबीआई और एसबीआई मुंबई, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट। कमीशन रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू, भाई सारी तरह की कोई भी कमीशन, कोई भी सर्विस चार्जेस सब टैक्सेबल होते हैं, ये टैक्सेबल है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम बोरोवर्स टैक्सेबल है। नेक्स्ट, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज डीलर ऑफ बैंक ऑफ राजस्थान, तो यार ट्रांजैक्शन एक बैंक और एक ऑथराइज डीलर के बीच में है तो ये एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट के अगर मेरे को एडिशन करना हो, 10,75,000 प्लस 25 लाख, 35,75,000, 35,75,000 क्या बोलते हैं, 35,75,000 प्लस 15,60,000, सो दिस कम्स आउट टू रुपीज 51,35,000, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू मेरे को निकालनी हो तो 6,20,000 प्लस 3 लाख, ये आएगा 9,20,000 प्लस 1,25, ये आएगा 10,45। लास्ट, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड। तो यार देखो, बैंक जो है, बैंक का आपने देखा ना, बैंक के कुछ ट्रांजैक्शंस टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है। जहां पे मैं इनवर्ड लेग पे गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करता हूं और मेरी आउटवर्ड लेग की सारी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं है, कुछ एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो मेरे को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्रेडिट मिलता है। जितनी मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगी उतना प्रोपोर्शनेट मेरे को आईटीसी मिलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन बैंक्स के केस में ना एक उनके पास ऑप्शन होता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी, एक होता है कि भाई अवेल प्रोपोर्शनेट आईटीसी। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है, जितना इट इट रिलेट्स टू टैक्सेबल सप्लाई, प्रोपोर्शनेट आईटीसी मतलब जितना इट रिलेट्स टू टैक्सेबल सप्लाई। सेकेंड ऑप्शन होता है इनके पास अवेल 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, रिमेनिंग 50% आईटीसी विल लैप्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी। मानो दूसरे स्टेट में एक और ब्रांच है, उस ब्रांच से आपने कोई सर्विसेज, आपने उनसे कोई सर्विसेज ली है, उस पर जीएसटी लग के आया है, उस जीएसटी पे 50% का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, बाकी जितना भी एलिजिबल आईटीसी उसका 50% ले लो। इनको एक प्रोपोर्शनेट ऑप्शनल मेथड दिया, इनको प्रोपोर्शनेट मेथड की जगह पे एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है आसान तरीके पे, कि जितना आपका एलिजिबल आईटीसी बनता है उसका 50%, और साथ के साथ अगर मानो आपके सेम बैंक के कोई और ब्रांच दूसरे स्टेट में, उनसे आपने कोई सर्विसेज ली हैं, तो उस पे जितना भी जीएसटी बनता है वो आप फुल ले सकते हो, वहां पे उसमें 50% लगेगा, फुल 100% मिल जाएगा। सो अप्लाइंग दिस लॉ, जीएसटी पेड ऑन एलिजिबल इनपुट सर्विसेज 12 लाख, जीएसटी पेड ऑन एलिजिबल कैपिटल गुड 6 लाख, जीएसटी पेड ऑन हुज ऑन आइटम्स हुज क्रेडिट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5), ये मैटर ही नहीं करता 4 लाख मेरे लिए। GST paid on services availed from within the same bank having distinct registration 2 lakh. तो इसका तो 100% credit मिलेगा और इन दोनों का 50% मिलेगा as per the law that we just read. तो 12 lakh plus 6 lakh का 50% कितना आएगा? 9 lakh, 18 lakh का 50% will be 9 lakh और 2 lakh का 100% तो 2 lakh, तो total मिला के 9 lakh, 18 lakh का 50% प्लस 2 लाख, जो आपके सेम आपकी आप ही के बैंक की अलग ब्रांचेस दूसरे स्टेट में हैं, उनसे आपने जो भी सर्विसेज रिसीव की हैं उस पे जो जीएसटी लगा है उसका तो आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा। तो योर आंसर विल बी रुपीज 11 लाख। नेक्स्ट, केस स्टडी नंबर 15, मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड इज एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। The company is carrying on its business for the past 3 years with the approval of IRDA. Messrs. KBC Insurance Limited
secures its business through various insurance agents spread across India. Those agents include individual firm, LLP, and private limited company also. However, all of them are licensed under Insurance Act. The company availed services of renting of motor vehicle for its employees in Pan India through RR Travels Private Limited, where cost of fuel is included in the consideration charged. The service provider charged 5% GST and informed the company that it is claiming ITC only in the same line of business. So, ek to services are received by insurance company from insurance agents, and number two, services are received from RR Travels Private Limited, renting of motor vehicle. एक आपने insurance agent से services ली हैं और एक आपने renting of motor vehicle वाली services ली हैं किससे? RR Travel Private Limited से. Messrs. KBC Insurance Limited provided the following details of insurance business for the month of May. Premium received on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Premium received on Aam Aadmi Bima Yojana. Premium received on life micro insurance product having a sum assured of ₹2.5 lakhs. Premium received on reinsurance of group postal accident policy for self-employed women. Premium received on fire and special perils policy of various business units. Premium received on money back policy issued. Messrs. KBC Insurance Limited received a proposal for pandemic insurance for IPL matches from the franchisee. Sum assured for said insurance was ₹250 with a premium of ₹50 lakhs. The company issued the said policy on 1st July. Invoice for the same was issued on 5th August. Premium was received on 14th August. Theek hai ji. Invoice dated 5th August issued by the company contained the following information: serial number, name of the recipient, address of the recipient, taxable value, date of its issue, amount of tax charged. Messrs. KBC Insurance Limited received the following supplies in the month of May, and the details of GST paid on such supplies are as follows. First, GST paid on purchase of car for use of managing director 5 lakh. GST paid on bus sitting capacity for 14 persons purchased by the company for transportation of its employee for persons from their residence to office and back. GST of ₹80,000 was paid on general insurance taken from Amity Insurance Limited for motor vehicles for transportation of persons with sitting capacity less than or equal to 13%, including the driver, which were used in transportation of staff of the company. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above is interested unless otherwise specified. Aggregate turnover of the company is not less than ₹10 crore for the past 3 years. Conditions necessary for availment of ITC are fulfilled subject to the information given. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. Ye thodi case study lambi thi. Chalo. First question, determine the service on which the services on which the company is liable to pay tax under reverse charge. तो भाई हमारी दो तरह की सर्विसेज कंपनी ने रिसीव किया इंश्योरेंस कंपनी ने. नंबर वन, इंश्योरेंस कंपनी रिसीव सर्विसेज फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट. और इंश्योरेंस एजेंट का स्टेटस क्या है? इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंडिविजुअल्स भी हैं, फर्म भी है, एलएलपी भी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है. तो एक बार इंश्योरेंस एजेंट वाली एंट्री देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे स्टेटस और सर्विस प्रोवाइडर मैटर करता है नहीं करता है. एक आपने सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ली है आरआर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड से, उन्होंने 5% पे जीएसटी पे किया है. ठीक है, तो यार इंश्योरेंस एजेंट की अगर मैं बात करूं, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट आर कवर्ड अंडर आरसीएम. द सप्लायर शुड बी एन इंश्योरेंस एजेंट. उसका स्टेटस मैटर नहीं करता. द इंश्योरेंस एजेंट कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे तो यार आरसीएम लगेगा इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज पे. आरआर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड से जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज रिसीव हो रही हैं उसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है. Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers, where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate. So, आपका supplier कौन होना चाहिए? Any person other than a body corporate who supplies services to a body corporate and does not issue an invoice charging CGST at 6% to the recipient. ये renting of motor vehicle में भी ना हमारे पास दो तरह की possibility होती है. एक GST rate 12% की होती है, एक GST rate 5% की होती है.
12% जीएसटी रेट मतलब 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, 5% जीएसटी रेट जहाँ पे 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। तो अगर 12% जीएसटी आप ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे आरसीएम कभी नहीं लगता, 5% आप ऑप्ट करते हो तो फिर लग सकता है अगर यहाँ कंडीशन फुलफिल हो। बट ओवर हेयर द सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इन माई क्वेश्चन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज आरआर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। In my question, the supplier is IRR Travels Private Limited, which is a body corporate. Supplier एक कंपनी है, वो supplier कंपनी नहीं होना चाहिए, तो इस transaction पे RCM नहीं लगेगा, इस transaction पे सिर्फ FCM लगेगा। So determine the services on which the company is liable to pay tax under reverse charge. तो answer will be services availed from insurance agents. Next. Compute the value of exempt supply provided by Messrs. KBC Insurance Limited for the month of May. Compute the value of taxable supply made by Messrs. KBC Insurance Limited for the month of May. तो इसी टेबल से आपको exempt और taxable supply दोनों का मिल जाएगा। आप लोगों ने मेरे साथ insurance sector की exemptions भी main class में पढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो premium निकलता है वो exempt होता है। आम आदमी बीमा योजना वाली policy भी exempt होती है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ सम अश्योर्ड ऑफ 2.5 लाख, ये तभी एग्जेम्प्ट होता है जब आपका सम अश्योर्ड 2 लाख तक का होता है। यहां पे आपका सम अश्योर्ड क्योंकि 2 लाख से ज्यादा का है तो ये टैक्सेबल होता है। अगर आपका सम अश्योर्ड जो है वो 2 लाख तक का होता है तो एग्जेम्प्ट होता है, 2 लाख से ज्यादा अगर आपका सम अश्योर्ड होता है तो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, ये वाली जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट होती है, इसे एनकरेज करते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन है उनका अगर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती है तो वहां पे एग्जेम्प्शन मिलती है। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस यूनिट्स, ये तो नॉर्मल इनकी सर्विसेज होती है, टैक्सेबल होती है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन मनी बैक पॉलिसीज इश्यूड, ये भी टैक्सेबल होती है। तो एग्जेम्प्ट का टोटल कितना, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। तो आपका जो एग्जेम्प्ट है उस एग्जेम्प्ट का टोटल आपका 9 लाख आएगा। टैक्सेबल का टोटल कितना, 4 लाख, 7 लाख, 11 लाख प्लस 12 लाख। तो टैक्सेबल का आपका जो टोटल है वो टैक्सेबल का टोटल आपका 23 लाख आएगा। तो ये देख लो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। तो एग्जेम सप्लाई का टोटल हमने देखा था कितना था, 9 लाख, और टैक्सेबल सप्लाई का टोटल हमने भी कैलकुलेट किया है कितना था ऊपर, 23 लाख। नेक्स्ट, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, मतलब इन 3 पॉइंट्स की बात हो रही है। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कार फॉर यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं मिलेगा। कार जो है उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या इससे कम की होती है, छोटा मोटर व्हीकल है, जो कार की कार पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हो। मोटर व्हीकल पे जनरली जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम होती है उन पे क्रेडिट तभी मिलता है इफ दे आर यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और इफ दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज उसकी फर्दर लेटिंग आउट की या फिर दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स। तीन कामों के लिए वहां पे आपको क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड होता है। बट वहां पे सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम होनी चाहिए इंक्लूडिंग ड्राइवर। नेक्स्ट, जीएसटी पेड ऑन बस सिटिंग कैपेसिटी फॉर 14 persons परचेज बाय द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। तो यार सीधी सी चीज है, अगर आपके मोटर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा की होती है तो उस मोटर व्हीकल पे आपको क्रेडिट मिलेगा इफ इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉइज को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ड्रॉप करना इज अ पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली, इट इज बीइंग यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट, जीएसटी ऑफ ₹80,000 वॉज पेड ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम एमिटी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सिटिंग कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13 persons इंक्लूडिंग द ड्राइवर विच वर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ ऑफ द कंपनी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मोटर व्हीकल एलिजिबल मोटर व्हीकल है या नहीं। तो बात ये है कि यार जहां पे मोटर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम की होती है एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ, अगर वो स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है सो इट्स नॉट एन एलिजिबल मोटर व्हीकल। ये मोटर व्हीकल जो है ना वो आपके थर्ड पॉइंट में एलिजिबल नहीं है। और जो मोटर व्हीकल एलिजिबल नहीं होता ना उसके उसका जनरल इंश्योरेंस पे जो जीएसटी पे हुआ है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। जहां पे मोटर व्हीकल जो है वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होता वहां पे उसके जनरल इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन
एक एक्सेप्शन आपने पढ़ी हुई है, एक्सेप्शन होती है इंश्योरेंस कंपनीज पे ये वाला लॉ नहीं लगता है। आपने दो एक्सेप्शन पढ़ी हुई है, इधर दो सर्विसेज आर टेकन बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल और दीज सर्विसेज आर टेकन बाय इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये एक्सेप्शनल केस में कवर हो जाता है, यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर इस पॉइंट में हल्की सी भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज जो आपकी सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट है ना, वहां तरीके से जाना, और जो भी मैंने क्लास में नोटिंग्स कराई हुई है उनको तरीके से पढ़ना, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो इसका आंसर विल बी ₹380,000। नेक्स्ट, डिटर्मिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आईपीएल फ्रेंचाइजीज। आपने आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई आपको बताना है। द कंपनी इशूड दिस सेट पॉलिसी ऑन 1 जुलाई, इनवॉइस फॉर द सेम वॉज इशूड ऑन 5 अगस्त, प्रीमियम वॉज रिसीव्ड ऑन 14 अगस्त। सो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ये ट्रांजैक्शन एफसीएम में टैक्स होगी, नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी की ट्रांजैक्शन है तो इंश्योरेंस कंपनी एफसीएम में टैक्स पे करेगी। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज 1 जुलाई। आपका डेट ऑफ इनवॉइस जो है, आपका डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो आपका 5 अगस्त है, और आपकी जो डेट ऑफ पेमेंट है वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट 14 अगस्त है। सेक्शन 13(2) एफसीएम, जहां पे सर्विसेज पे एफसीएम में टैक्स लगता है, वहां पे आपने क्या पढ़ा हुआ है, अगर इनवॉइस इश्यू हो जाता है टाइम के अंदर अंदर, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हम कहते हैं इनवॉइस इश्यू करने के लिए हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल होता है, 30 डेज। लेकिन याद है एक एक्सेप्शन आपने पढ़ी हुई है, इन केस ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, तो आपको वो टाइम पीरियड 35 डेज की जगह कितने डेज का अलाउ किया जाता है, 45 डेज का अलाउ किया जाता है। इन केस ऑफ बैंक्स, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इन केस ऑफ एनबीएफसीज, टाइम पीरियड ऑफ 45 डेज इज अलाउड फॉर इशूइंग द इनवॉइस। तो यार यहां पे आप 30 डेज देखोगे, 45 डेज देखोगे, एंड बिकॉज द इनवॉइस हैज बीन सर्विस कंप्लीट हुई थी 1 जुलाई को, इनवॉइस आया 5 अगस्त को, दैट मीन्स द इनवॉइस हैज बीन इशूड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 45 डेज। दैट मीन्स मेगा इनवॉइस टाइम पे है, और जब मेगा इनवॉइस टाइम पे है, मेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में से जो जल्दी है वो होगा, मेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में से जो जल्दी है वो होगा, तो 5 अगस्त और 14 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर इज 5 अगस्त। डिटर्मिन द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू आईपीएल फ्रेंचाइजीज, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 5 अगस्त। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द इनवॉइस इश्यूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी केस में हमने पढ़ा हुआ है ना, रिलैक्सेशन होती है कि इनवॉइस पे सीरियल नंबर, इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इनवॉइस पे अगर सीरियल नंबर और रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो काम चलेगा। तो ये जो सीरियल नंबर होता है और रेसिपिएंट का जो एड्रेस होता है, ये आपके लिए ऑप्शनल होते हैं, दीज आर ऑप्शनल। सीरियल नंबर एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, फर्स्ट एंड थर्ड, दे आर ऑप्शनल फॉर यू। तो 6th का आंसर विल बी बी फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 3 आवर्स वी हैव मैनेज्ड टू कंप्लीट 15 केस स्टडीज, एंड नाउ वी आर ऑन आर लास्ट केस स्टडी नंबर 16, मेसर्स अदिति एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज अंडरटेकिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स। पढ़ो आप केस स्टडी 16, पढ़ो, लास्ट केस स्टडी है, फिर उसके बाद हमारा ये वाला वीडियो फिनिश है। I will be looking forward to your comments. You will be letting me know कि भाई आप लोगों का क्या level of preparation था, कितने case studies आपको खुद अपने आप समझ आ गई थी, कितने आप तरीके से कर पा रहे थे। I will be waiting for your answers. Let me also check how good is your preparation for the exams. Also let me know whether you found this video useful or not. इस केस स्टडी के पार्ट 1 में जो एंट्रीज यूज होनी है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि मे भी आपको फ्रंट याद नहीं हो, जो पार्ट 1 के लिए एंट्रीज यूज होनी है आपकी, वो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी पार्ट 1 सॉल्व करने में।
पढ़ते हैं भाई, इस लास्ट वाली को उठा के भी फिनिश करते हैं। मेसर्स अदिति एंड कंपनी आर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज अंडरटेकिंग वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। द फर्म हैज लेट आउट ऑन हायर द फॉलोइंग व्हीकल्स। अ मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 15 पैसेंजर्स टू अ स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स टू अ लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टू कैरी अप टू 12 पैसेंजर्स ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। यार एक चीज देखो, ये दो पॉइंट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर आप मोटर व्हीकल देते हो विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स तो वो एग्जेम्प्ट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर आप मोटर व्हीकल देते हो विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स तो वो एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी को आप एक इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देते हो जिसकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा है तो वो एग्जेम्प्ट है। मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आपने नॉर्मल मोटर व्हीकल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है तभी एग्जेम्प्ट है, और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल अगर आपने लोकल अथॉरिटी को दिया है तभी एग्जेम्प्ट है। तो आप एक चीज देखो, फर्स्ट अ मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 15 पैसेंजर्स टू स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। होना क्या चाहिए? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग होना चाहिए। यहां पे है क्या? स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो यहां पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स टू लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 12 पैसेंजर्स से ज्यादा वाला जो व्हीकल है इलेक्ट्रिक वाला वो आपने दिया है तो ये एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल टू कैरी अप टू 12 पैसेंजर्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। भैया 12 से ज्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल तो वैसे भी लोकल अथॉरिटी को जाना चाहिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को तो नॉर्मल व्हीकल जाना चाहिए जिसकी कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा की है। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टैक्सेबल है, सेकेंड एग्जेम्प्ट है, थर्ड जो है वो टैक्सेबल है। Next, the firm provided the following additional information for the month of October. Works contract services were availed for construction of immovable property being plant and machinery where value of GST component was ₹110,000. आपने immovable property के construction के लिए works contract services receive की हैं, और immovable property जो है वो किस nature में है? Plant and machinery के nature में। Generally immovable property के construction के लिए अगर आप कोई works contract services receive करते हो तो उन पे आपको GST का credit नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो immovable property plant and machinery है तो वहाँ पे आपको works contract services का पे जो GST लग के आता है उसका credit मिलेगा, तो यहाँ पे आपको credit allow किया जाएगा। Next, GST amounting to ₹70,000 was paid on account of demand of the department due to fraud in returns filed. इसका क्रेडिट आपको obviously नहीं मिलेगा। Goods valuing ₹10 lakh GST on the same ₹1 lakh. 10 लाख के गुड्स थे, उन पे GST 1 लाख का था। They were received 180 days ago. Invoice also issued on the date of receipt of supply for which payment has been made till date to an extent of ₹4 lakh towards value ₹40,000 towards tax. क्या मतलब है इस पूरी बात का? इसका मतलब है कि आपने ना 10 लाख के गुड्स खरीदे थे 180 दिन पहले, वो आपको 180 दिन पहले मिले थे, इनवॉइस भी जिस दिन आपको गुड्स मिले थे उसी दिन का है। मतलब आपने 180 दिन पहले गुड्स खरीदे थे 10 लाख के, जिस पे जीएसटी था 1 लाख, आपने पिछले 180 दिन के अंदर अंदर सिर्फ 4 लाख की पेमेंट की है जिन पे जीएसटी बनता है 40,000। दैट मीन्स आपने 6 लाख की पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर नहीं की है। आप क्रेडिट पहले पूरा ले चुके हो, बट यू हैव मेड ओनली 40% पेमेंट, यू हैव नॉट मेड 60% पेमेंट। व्हेन यू हैव नॉट मेड 60% पेमेंट तो आपका 60% ITC जो है ना वो रिवर्स होगा। तो 1 लाख का 60% जो है वो 60,000 रिवर्स होगा। नेक्स्ट, the firm made two independent outward supplies in which value of supply was understated in one case by ₹75,000 and overstated by ₹45,000 in other case. जहां पे मेरी value of supply understate होती है ना, understate होती है, तो उस understatement को correct करने के लिए हम issue करते हैं debit note. Under billing को rectify करने के लिए हम issue करते हैं debit note, और ओवरस्टेटेड आपकी हो गई है 45,000 से, तो ओवरस्टेटेड को ठीक करने के लिए, ओवर बिलिंग को रेक्टिफाई करने के लिए इश्यू होता है क्रेडिट नोट।
अंडर बिलिंग को रेक्टिफाई करने के लिए इश्यू होता है डेबिट नोट, और ओवर बिलिंग को रेक्टिफाई करने के लिए इश्यू होता है क्रेडिट नोट. द फर्म रिसीव सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स वॉज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल. ऑल ट्रांजेक्शन्स रेफर टू अबव आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स. ऑल द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आई टी सी हैव बीन फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. In respect of vehicles let out on hire by the firm, services that are exempt from GST are. तो यार ये जो first वाली services है ना, ये first वाली service तो taxable थी, second वाली exempt थी और third वाली taxable थी. तो exempt वाली service कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ second वाली exempt है. तो ये Determine the amount of eligible ITC to be claimed by the firm for the month of October. October के month में आप कितना ITC ले सकते हो? तो 1,10,000 तो मिल जाएगा, but ये 70,000 नहीं मिलेगा. तो answer is ₹1,10,000. Next, determine the amount of ITC to be added to the output tax liability. हमने निकाली लिया था. 60% ITC reverse करना पड़ेगा. 1,00,000 का 60% will be 60,000. तो आपका answer आएगा ₹60,000. Next, which of the following is correct in respect of a document to be issued by the firm for understatement and overstatement of invoice value? Understatement thi 75,000 ki, matlab debit note 75 ka. Aur overstatement thi 45 ki. Overstatement thi 45 ki, to credit note 45 ka. That means, debit note jo hai na, wo debit note 75,000 ka. Aur credit note jo hai, क्रेडिट नोट जो है वो आपका आना चाहिए 45 का. तो स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर, ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक कर लेना. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ आएगा, ये ठीक कर लेना नंबरिंग प्लीज बुक में. फर्स्ट दो बार आया हुआ है. दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4. तो पॉइंट नंबर 1 ठीक है और पॉइंट नंबर 4 ठीक है. So answer is C. Next, which of the following statement is correct in respect of supply of goods received by the firm which are taxable under reverse charge? So bhai, firm shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier. Yes, jahan pe hamari transaction reverse charge mein cover hoti hai, jab hum supplier ko payment issue karte hain us time pe hum payment voucher issue karte hain. Pehle theek theek hai. फर्म शैल इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. नहीं, इनवॉइस मैं क्यों इशू करूंगा? जहां पे मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है वो इनवॉइस इशू करेगा. नेक्स्ट, फर्म शैल इशू रिसीट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. नो, व्हेन वी मेक पेमेंट टू द सप्लायर वी इशू अ पेमेंट वाउचर इफ द ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर आरसीएम. फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई. ये भी गलत है. वेयर द ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, the recipient is required to issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier. So, fifth ka aayega A. Theek hai ji? So, with this, hamari GST ki jitni bhi case studies ICAI ne alag alag jagahon pe dali hui thi, apne MTP mein, apne RTP mein, iske alawa apne apne main ek unhone material nikala tha MCQs ka. To जो भी GST की आपके पास वो थी केस स्टडीज, वो मैंने अपने खुद के मटेरियल में इनकॉर्पोरेट की हुई थी. इनको लेटेस्ट तरीके से अपडेट किया होता. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी 16 केस स्टडीज अलॉन्ग विद देयर आंसर्स. आई होप यू वुड हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल. आपको पता चला होगा एमसीक्यूज की केस स्टडीज किस तरह से आएगी और आपको कौन किस तरह से अटेम्प्ट करना है. दिस वीडियो वॉज डीलिंग विद ओनली GST के केस स्टडीज. आई विल रिकॉर्ड अ न्यू वीडियो एंड इन दैट आई विल बी कवरिंग अप इनकम टैक्स. इनकम टैक्स की जो केस स्टडीज हैं वो नंबर ज्यादा इनकम टैक्स में आएगा. टोटल कितनी केस स्टडीज है? 27 केस स्टडीज है इनकम टैक्स में मेरे पास एमसीक्यू बुकलेट में. तो 27 केस स्टडीज को वी विल कवर इट इन टू पार्ट्स. दो वीडियोस में उससे कवर करेंगे. तो फिलहाल के लिए आप GST की केस स्टडीज करो और उसके बाद जल्दी मैं आपको मिलता हूँ इनकम टैक्स की केस स्टडीज के साथ. पर्सनली बहुत मजा आया ये वीडियो रिकॉर्ड करने में. अच्छे से दिमाग लगता है. पूरी GST की नॉलेज आपने कहीं पे कुछ भी GST पढ़ाओ सब एक साथ आके क्वेश्चंस में लगता है. तो पर्सनली मुझे तो बहुत मजा आया ये वीडियो रिकॉर्ड करने में. आई होप आप लोगों को भी वीडियो देखने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा. एंड अगर हमारे मैक्सिमम आंसर्स ठीक निकलते हैं ना,
देखो इक्के दुक्की गलती आपसे हो सकती है, मे बी अभी आपने जीएसटी 100% तरीके से रिवाइज नहीं किया हो, तो एक ये भी इशू हो सकता है कोई एक दो आंसर्स गलत निकलने का। लेकिन अगर आपके मेजोरिटी आंसर्स सही निकलते हैं ना, दैट मीन्स कि आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी है, एंड सॉल्विंग दीज एमसीक्यूज विल ओनली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, इन इम्प्रूविंग योर ग्रिप। बस एक चीज याद रखना, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस दीज केस स्टडीज टाइम एंड अगेन, एक बार करके छोड़ दो, आफ्टर दैट फोकस ऑन द प्रोविजंस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन रहती है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर चीज बार बार कर पाए, तो फोकस ऑन द प्रोविजंस। यहाँ पे कोई एक दो एमसीक्यूज है जो आपको बहुत ट्रिकी लगते हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हो ताकि लास्ट में आप उनको स्टडी कर सको। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर द टाइम बींग। आई विल सी यू गाइज अगेन विथ अ न्यू वीडियो वेयर आई विल बी कवरिंग अप ऑल दी case studies on income tax. Bye bye. Take care.